أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے ویڈیو آ رہی ہے بچوں آپ کو آواز آ رہی ہے ویڈیو آ رہی ہے महनूर वराइच यस सर महनूर वराइच ने कभी आज तक आंसर तो नहीं किया मैंने फर्स्ट टाइम जब से ऑनलाइन लेक्चर चल रहे शायद मैं पहली दफा ही नाम देखा है महनूर आप ही जो भी सवाल किया जाता है जो पूछा जाता है तो आप ही उसको आंसर किया करें साथ साथ फारिया सिकंदर ये भी मेरे लिए एक नया नाम है नता कुछ बच्चों ने आज ज्वाइन किया है नए बच्चे आए हैं चले लेक्चर स्टार्ट हो गया है बच्चे अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो रिस्पॉन्स करते हैं ऑलमोस्ट 15 मेंबर्स ने ज्वाइन किया हुआ है हमें तो ये 15 के 15 जो है ना मुझे ये बताएं हमारा कुरानिक स्टडीज़ का जो लेक्चर था वो तो सारे लेक्चर्स ख़त्म हो गए हैं सिलेबस ख़त्म क्यों ना मैं चाह रहा था कि हम नया टॉपिक शुरू करने से पहले इसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं इसको जांच लें जांच पड़ताल कर लें कि हमें कितना आ गया है कितना नहीं आया तो आज रिविजन करते हैं बहुत शुक्रिया अदीना लुबैना राबिया ज़िया हम आज रिवीजन करना चाह रहे हैं मेरी ये ख्वाहिश है कि हम एक दफ़ा रिवीजन कर लें जो टॉपिक्स इसमें से या कुछ स्लाइड्स कुछ सूरात की कुछ आयात की अगर आपको समझ नहीं आई किसी की आपके लिए ज़रा मुश्किल है तो हम उसको दोबारा रिपीट करते हैं आज तो आप मुझे बता दें कि कौन कौन सी सूरा आपको रिपीट करने की ज़रूरत है उसके मज़ामीन समझने की ज़रूरत है उसका तर्जमा समझने की ज़रूरत है तशरीह और तफसीर के हवाले से उसको जानने की ज़रूरत है जी लुबैना साहब मुझे बताइएगा बेस्ट है रिवीजन क्योंकि मुझे पता था कि आपको ज़रूरत है हम नया टॉपिक शुरू कर दें बाद में फिर हम इस तरफ आएँ तो आपको ये सारा किया दर्जन और भुला हुआ सारी मेहनत ज़ाया जाए तो एक दफ़ा रिवीजन करने से होता है कि याददाश्त और ज़्यादा मजबूत हो जाती है एक छोटा बच्चा होता है ना रोशना को चाहिए सूरह फुरकान की जो आखिरी आयत थी 63-77 इबादुर रहमान वो तो बड़ी आसान याद है ठीक है दोबारा कर लेते हैं उनको भी और किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है सिलेबस मैंने आपको बताया हुआ है सारा कौन कौन सी सूरत नहीं तो उनकी आयात कौन कौन सी आपको रिपीट करने की ज़रूरत है
आपके पास 4-5 मिनट हैं, आप सोच लें, समझ लें, साथ मेरी बातें भी सुनते जाएं और लिखते जाएं यहाँ पे कि आपको कौन सी रिवीजन करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ से रिवीजन की जरूरत है। एक बच्चा होता है छोटा, अभी वो कुछ हालात से, बहुत सारे हालात से वो नहीं गुजरा होता, वो एक गर्म चीज के पास जाता है, उसको छूता है, उसके लिए एक नया तजर्बा होता है, उसको वो चीज आम दर्जा हरारत से बहुत ज्यादा दर्जा हरारत में महसूस होती है, फील होती है, अपना हाथ फौरन पीछे खींच लेता है। ऐसा ही होता है, सही कहा ना मैंने, उसकी याददाश्त में एक चीज महफूज हो जाती है कि ये जो चीज है ना, अब इसको मैंने हाथ नहीं लगाना। उसकी वो एक अलहदा टॉपिक है कि वो उसकी असलियत कि उसके अंदर क्या चीज़ थी जिसकी वजह से उसको इस चीज़ ने अंदर से नुकसान नहीं पहुंचाया, उसके अंदर का एक टेम्परेचर दर्जा हरारत था जिससे उसको नुकसान पहुंचा है। अगर वो दर्जा हरारत वो टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो अब वो उस चीज़ को हाथ लगाएगा तो वो उसको कुछ नुकसान नहीं देगी, इस तरह से अपना हाथ पीछे नहीं करेगा। वो कहते हैं ना कि दूध का जला पानी भी फूंक फूंक के पीता है, कि एक शख्स गरम गरम एक दफा दूध पी लिया, ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर उसको गिलास में पानी भी डाल के दे दें तो उसने उसको भी फूंक फूंक के पीना है कि मैं अभी इसको थोड़ा ठंडा करूं, फूंकों के साथ फिर इसको पीता। रिवीजन करने का मकसद मतलब यही होता है कि आपको कुछ चीजें पहले आपने एक तजर्बा से गुजरे, आपको सिखाई गई, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक्सपीरियंस किया, दोबारा फिर अगर उन्हीं चीजों को आपके सामने पेश कर दिया जाए, उन्हीं एक्सपीरियंसेस को आपके सामने रखा जाए, उन चीजों को, उस मवाद को दोबारा आपके सामने रख दिया जाए, तो आप फौरन परसेप्ट कर लेंगे। अब उसको आप फील नहीं करेंगे, अब उसको आप परसेप्ट करेंगे। परसेप्शंस और सेंसेशंस में आपको पता है बड़ा फर्क है, पता है आपको बच्चे, आपने 8वीं पढ़ी है, पढ़ रहे हैं अभी साथ साथ फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, मुझे निकम्मे को थोड़ी सी साइंस भी आती है, वो मामूली सी है, इतनी जितनी आपको इतनी तो नहीं आती है, और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आ जाती है, आपसे कम ही है। तो परसेप्शंस क्या होती हैं और सेंसेशंस क्या होती हैं, पहली दफा कोई चीज आपके सामने आती है सूरह हुजरात भी किसी को चाहिए बच्चे, अब आपको आवाज कटनी शुरू हो गई है, मैं बोलना शुरू हूं तो आपको आवाज कटनी शुरू हो गई है। मैं क्या करूं, अब आपको आवाज कट रही है तो चले मैं जारी रखता हूं, अगर कहीं पे कोई जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि रिवीजन की कितनी जरूरत होती है, ना सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के लिए बल्कि आपको दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, नर्सिंग से रिलेटेड, आपको सिलेबस के से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं सब पढ़ने में आपको ये मेरी बात जो है वो फायदा देगी। रिवीजन क्या कहते हैं, इसका फायदा क्या होता है, एक मवाद के सामने से, एक मवाद से आपने एक्सपीरियंस लिया, उसको देखा पढ़ा, नजरें दोहराई उसके ऊपर, यादें आने की कोशिश करने की कोशिश की, यादें आने करने की, उसको अपने अंदर समझने की कि ये क्या चीज है। दोबारा फिर अगर वही मवाद आपके सामने लाया ले बंदा ले आए, इंसान ले आए, सेंसेशन होती है, सेंस कहते हैं कि देखने की, इसको भी सेंस होती है, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ आई, एक हेयरिंग की सेंस होती है, सेंस ऑफ साइट होती है, सेंस ऑफ हेयरिंग होती है, सेंस ऑफ टच होती है। टच की मिसाल मैंने आपको बच्चे के हवाले से दे दी है, वो शख्स जो दूध पीता है। सेंस ऑफ आई जो है ना, विजन, सेंस ऑफ साइट, ये सेंसेशन आप यूज करते हैं जब आपने कोई काम करना होता है, कुछ सीखना होता है, अपना कोई कोर्स पढ़ना होता है,
जिसके लिए आपने इम्तिहान देना है, रीडिंग में आती है ये सेंस, रीडिंग और लर्निंग में सेंस ऑफ साइट, ठीक है, सेंस ऑफ साइट काम आती है। आपका ताल्लुक सेंसेशन में से सेंस ऑफ साइट के साथ है। एक सेंस आपके सामने से एक चैप्टर गुजरता है, लिखा हुआ सामने से गुजरता है, या सेंस ऑफ हियरिंग आती है कि किसी ने कुछ कहा। ये टोटल तो फाइव हैं बच्चे, रोशन आपने सही कहा है। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि रिविजन का क्या कितना क्या फायदा होता है, क्या क्यों जरूरी होती है। आपके सेंसेशन से एक दफ़ा चीज़ गुजरी लेकिन वो अभी आपके परसेप्शन से नहीं बनती। एक दफ़ा चीज़ जब गुजरती है वो भी आपके सेंसेशन से गुजरती है, फौरन वो परसेप्शन पे नहीं चली जाती। आपको पता कैसे चलता है कि वो कुछ, उसको कुछ वक्त लगता है परसेप्शन में कन्वर्ट होने पे। परसेप्शन होती है कि आपके माइंड में जाके वो मुकम्मल याददाश्त के तौर पर महफूज हो जाती है वो बात, वो चीज़, वो सेंस। बच्चे अब आपको आवाज का किसी किसी को मसला है, या तो मेरी तरफ से हो तो सबको ही हो, अगर मेरे एंड से अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर सबके साथ ही ऐसा हो। किसी किसी को सही आ रही है, किसी किसी को प्रॉब्लम हो रही है, या फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, वाईफाई जिससे के साथ कनेक्ट किया मैंने। अब दोबारा एक दफा आपने एक चीज देख ली, पढ़ ली, पढ़ ली, उसके बाद फिर आपके सामने वो चीजें दोबारा आ जाती हैं, तो फिर आपकी परसेप्शन बताती है नहीं, नहीं हमने इसको पढ़ा था, इसके अंदर ये चीजें थी, इसके अंदर मैंने ये एक्सपीरियंस हासिल किया। आपका शऊर आपको कह रहा होता है, आपका दिमाग, आपका दिल अंदर से कह रहा होता है कि हमने ये चीजें देखी थी, हाँ हाँ ये वही चीज है। वो रिपीट हो जाती, फिर वो चीज मुकम्मल तौर पर आपके हाफजे में पक्की हो जाती, महफूज हो जाती है एक दफा उसको दोबारा से आपके सामने लाने से, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बच्चे, आप उसको तसल्ली से ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आगे चलते जाएं, दोबारा फिर उसकी रिवीजन करें, तो फिर और ज्यादा महफूज हो जाता आपके याददाश्त में। मेरे एक दोस्त हैं, वो जंग से उनका ताल्लुक है, जंग जिस स्कूल में वो पढ़ा है मेरा दोस्त, उसी स्कूल में हमारे जो एटॉमिक साइंसदान थे पहले डॉक्टर कदीर खान अब्दुल सलाम साहब, डॉक्टर अब्दुल सलाम भी उसी स्कूल से तालीम याफ्ता हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम के हवाले से मेरा दोस्त कहता है, मैंने अपने टीचर से पूछा कि सर वो कैसे स्टूडेंट थे, इसी स्कूल से पढ़े हैं, जो बुजुर्ग टीचर थे उस्तादा थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो हमारे पास ही था, यहाँ पे पढ़ता था, लेकिन वो क्लास टेस्ट में अमूमन नालायक ही समझा जाता था, लेकिन जब एग्जाम आते थे या जब कोई टेस्ट आ जाता था अमूमन, तो वो जो सिलेबस बताया जाता था, जो सिलेबस होता था, जो किताब होती थी, उसको वो शुरू से लेकर आखिर तक बार बार पढ़ता था। शायद उस लड़के मेरे दोस्त ने ही बताया कि उसके उस्ताद ने उनको उसको ये बताया था कि वो 70 दफा या 80 दफा वो किताब को शुरू से लेकर आखिर तक वो सिलेबस को उतना पढ़ता था, वो नंबर अच्छे ले लेता था। यही बात होती है कि रिवीजन बार बार किसी चीज को रिपीट किया जाए, रिवीजन की जाए, उस चीज के साथ ताल्लुक में उस चीज को समझने में और ज्यादा आसानी होती है, ना सिर्फ पढ़ाए पढ़े लिखे में किताबों के साथ ताल्लुक में, बल्कि इंसानियत के साथ ताल्लुक भी। जब आप किसी के साथ रहते हैं, जब एक दफा मिलते हैं, कुछ एक्सपीरियंस होता है, फिर बार बार मिलने से और ज्यादा शनासाई हो जाती है, ऐसा ही होता है। तो टॉपिक का भी यही है, आप किसी चीज को भी बार बार रिपीट करेंगे उसका आपको ज्यादा ही फायदा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी मिसाल समझ आ गई होगी। आप बच्चों ने मुझे अभी तक बताया है सूरह हुजरात की शुरू की आयात और सूरह फुरकान की आयात आपको चाहिए, राइट। चले मैं अभी सूरह फुरकान को करता हूं आपके सामने।
मुझे वक्त दीजिएगा, मैं ईमेल कर रहा हूँ गनी साहब को, वो आपको यहाँ से यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। चलिए मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ स्लाइड। मैंने रिफ्रेश की है स्लाइड, पेज को वेबिनार पेज के मैंने रिफ्रेश की है। अब उम्मीद है आपको आवाज आ रही होगी। अभी चंद लम्हों में स्लाइड भी अपलोड हो जाती है, फिर हम उसको शुरू करते हैं स्लाइड्स को भी साथ साथ। लेकिन वॉइस इशू जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से इसको रिजॉल्व किया जाए। चलिए अब आ रही है आपको आवाज़, तो चलते हैं फिर आगे। अच्छा, आपकी बच्चों बात हुई है गनीउल्लाह साहब से कि किस तरह से, सॉरी, पेपर पैटर्न का क्या तरीकाकार होगा, स्ट्रक्चर क्या है? अभी आपका टेस्ट है 3 से 4 बजे तक, स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया है फ्रॉम सर गनीउल्लाह साहब। आज ये सिलेबस में सूरह हुजरात है और ओ नहीं 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 आज सूरह हुजरात तो मैं नहीं करवाऊंगा बच्चे, आज तो वो टेस्ट के सिलेबस का हिस्सा है। अभी हम सूरह फुरकान पढ़ेंगे, अगर किसी को सूरह हुजरात और सूरह अहज़ाब के अलावा कोई और सूरतें अगर कहीं से करनी है, कोई समझ नहीं है कहीं पे कोई बात, कोई मजमून, कोई तर्जमा, कोई ट्रांसलेशन के हवाले से, वो आप मुझे बताएं।
सूरह हुजरात और सूरह अहजाब के अलावा, क्योंकि ये दोनों आज सिलेबस का हिस्सा है जिसका टेस्ट होना है आपका। नहीं जी, स्लाइड अपलोड हो गई है हमारे सामने, आपको शो हो रही है स्लाइड, हो रही होगी, जब आपको पिक्चर आ गई है तो स्लाइड भी शो हो रही है। किसी को सूरह फुरकान के अलावा जो अभी हम करने लगे हैं, और सूरह अल हुजरात और सूरह अहज़ाब, इसके अलावा कोई और सूरतें जो हमारे पास थी, सूरह सफ़ है, सूरह बकरा की कुछ आयात हैं, आखिरी 3 आयात, सूरह नाम है, सूरह अशर की आयात हैं तकरीबन आखिर में से, और सूरह मोमिनून है, ये सूरह शुरू करते हैं बच्चे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फुरकान की राबिया ज़िया को चाहिए सूरह सफ़, और सूरह मोमिनून चाहिए लुबैना को, ठीक है, इसको भी साथ रखेंगे। पहले हम जल्दी से इसकी तरफ आते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है। सूरह सफ़ भी कर लेंगे बच्चे अक्सर इंशाल्लाह, और सूरह मोमिनून भी करेंगे। वैसे जब हम सूरह फुरकान की ये वाली याद करने लगे तो मोमिनून की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत रहेगी बाद में, लेकिन फिर भी एक इनिशियल सा इंफेक्शन मैं मज़ीद आपको दोबारा रिविजन में दे दूंगा सूरह मोमिनून का, लुबैना आप बेफिक्र हैं। सूरह सफ़ अक्सर नज़ीर, ठीक हो गया जी। अब आप तवज्जो करें जो मैं करने लगा हूँ, जो आपने सुनना है, जिस सुनने के लिए हम आज ऑनलाइन हुए हैं, हमारा लेक्चर है, रिवीजन है सूरह मोमिनून की आखिरी आयात, जिनके थीम के वाले से कहा जाता है कि ये इबादुर्रहमान से मुतलका आयात हैं। इबादुर्रहमान की सिफात बयान की गई हैं। अल्लाह ताला ने कुछ बंदों की कुछ आदात को पसंद फरमाया है, अपने बंदों की जो अल्लाह की इबादत करते थे, और साथ माशरे में एक तो इबादत भी करते, नमाज रोज़ा की भी पाबंदी करते हैं, और उसके अलावा अपने मेल जोल के हवाले से ताल्लुकात में दूसरे लोगों के साथ मामलात में, दीगर मामलात में एक ख़ास रवैया अख्तियार करते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है, जो हर कोई नहीं करता, तो जो वो कर लेता है वो इबादुर्रहमान में शामिल हो जाता है, अल्लाह ताला की पसंदीदगी में आ जाता है, अल्लाह ताला की खुशनुदी में आ जाता है। आना हमने ही है उस दायरे के अंदर, उस सिराते मुस्तकीम के अंदर हमने खुद ही आना है। अल्लाह ताला ने हमें स्ट्रक्चर एक बता दिया, रास्ता बता दिया है कि ये रास्ता है, इस पर चलना है, ये इसको मैंने पसंद किया है। इबादत करनी है तो ऐसे अपने मामलात को देखना है, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं, मामलात हैं तो ऐसे, इसके अलावा जो भी है वो आपको उस रास्ते से हटा देंगे, पीछे कर देंगे। समझ आ रही मेरी बात? इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, लफ्जी तर्जमा इसका ये होगा। अबद गुलाम को भी कहते हैं, अबद बंदे को भी कहते हैं, अबद इबादत करने वाले बंदे को भी कहते हैं। इस सूरत में जो मेन हेडिंग्स थी, जो टॉपिक्स बनते हैं, उनमें से चंद एक ये हैं, तवाज़ा और इनकसारी, इबादुर रहमान के अंदर
कि नेचर में, कि फितरत में तवाज़े होती है और इनकसारी होती है, आजज़ी होती है। हठधर्मी के जवाब में अमल क्या इख्तियार करते हैं वो, कोई जिद पे आ जाए, हठधर्म हो जाए कि नहीं ऐसे ही करना है, तो उसके जवाब में फिर इबादुर रहमान मजीद बहस नहीं करते उसके साथ, क्या रवैया इख्तियार करते हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। फिर इबादुर रहमान जो है, पहले दो तो चलो बातें हो गई इंसानी दुनियावी मामलात के हवाले से, आजिज़ी रखते हैं दूसरे लोगों के साथ, आजिज़ी से पेश आते हैं, और हठधर्मी के जवाब में, जिद के जवाब में, बहस मुबाइसा के जवाब में क्या तर्ज अमल क्या करते हैं, ये बाहमी मामलात के हवाले से। और जब इबादत की बात आती है, अल्लाह ताला को वक्त देने की जब बात आती है, अल्लाह ताला को शऊर देने की जब बात आती है, सोच विचार की जब बात आता है, तदब्बुर की जब बात आती है, तो वो रात का कुछ पहर खास एहतमाम करते हैं अल्लाह को अपना शऊर देने के लिए, अपने कुछ सोचें अल्लाह की तरफ लगाने के लिए कि कहाँ से है, कब है, हम क्या हैं, क्या है सब, और अपनी आजिज़ी का, अपनी इनकसारी का, अपने जुल्म का अल्लाह ताला के हजूर पेश करके अल्लाह ताला से मगफरत तलब करते हैं, क़यामुल लैल का एहतमाम करते हैं, और फिर डरते हैं अज़ाब जहन्नम से, उसकी दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से, कि उनको पक्का यकीन है कि हम यहाँ पे कुछ देर के लिए नहीं, हम यहाँ पे मुसलसल रहने के लिए नहीं है, इसके बाद की जिंदगी जो है ना वो अक्सर जो असल जिंदगी वो है। अखराजात में मियाना रवि इख्तियार करते हैं, कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करते हैं, कबीरा गुनाह जो तीन इसके अंदर मैंने लिखे, अकबुल अकबरुल कबायर आपको पता है कौन सा है, मैं अभी आपसे पूछ लूंगा, कत्ले नाहक जिनसी बेरार रवि। यहाँ पे मुझे ना एक बात बड़ी खूबसूरत याद आई है, चाह रहा हूं कि आपके साथ मैं वो भी शेयर करूं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी तमाम मखलूकात में फजीलत दी, अफजीलियत दी, दर्जा ऊपर रखा। हीरा जफर इधर मतवज्जो हो, आपको मेरी आवाज आ रही है? अल्लाह ताला ने इंसान को क्या बनाया, तमाम मखलूकात में क्या मुकाम दिया इंसान को, तमाम मखलूकात जितनी मखलूकात हैं कायनात के अंदर, जितनी मखलूकात हैं इंसान को क्या मुकाम मिला है तमाम मखलूकात में, कोई बताएगा बच्चा? शाबाश निदा, जिंदाबाद। जी हीरा जफर, बिल्कुल यही है अकबरुल कबायर। मैं भी ये पूछ रहा हूं कि हीरा साहिबा, इंसान को तमाम मखलूकात, जितनी मखलूकात जमीन में हमें नजर आती हैं इंसान के अलावा, इंसान को उनमें क्या दर्जा हासिल है? उनमें सब में अशरफ है इंसान, सबसे अफजल है, फजीलत मिली है, तो हर काम में, हर बात में होना ये चाहिए कि इंसान को बाकी मखलूकात में आला होना चाहिए, अफजल होना चाहिए, बरकर होना चाहिए। एम आई राइट? हर काम में, हर बात में इंसान को बाकी मखलूकात में आला दर्जे पर होना चाहिए, अफजल होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। ऐसा ना चाहिए, अशरफुल मखलूकात का फिर माना समझ में आता है, और फिर ही हम उस डिग्री पर पहुंचते हैं, उस हैसियत तक पहुंचते हैं कि हम बाकी मखलूकात में हो जाए। मेरा इस वक्त जो पॉइंट है, अभी हम बात कर रहे थे अजाब जहन्नम से बचाओ की दुआ, अजाब जहन्नम से बचाओ की दुआ जो इसमें चौथी हेडिंग है हमारे, जो अभी आपके सामने नजर आ रही है एक स्लाइड, उसमें अजाब जहन्नम से बचाओ की दुआ। इबादुर रहमान ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जहन्नम तो इसके बाद वाली दुनिया है ना, इसके बाद वाला मामला है, या अल्लाह उस जहन्नम से, आग से, अजाब से हमें बचा,
इंसान की जो उम्र है, अभी मेरा पॉइंट देखिएगा जो मैं कहने लगा हूं, ये सब बातें जो ना ये आपको याद आती हैं, आप तसव्वुर में जब जाते हैं ना अल्लाह ताला के हजूर, जब झुकते हैं, जब बैठते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं नमाज के बाद भी या नमाज से पहले भी, उस वक्त आपको ये बातें सारी अगर आप तवज्जो करें अल्लाह की तरफ, आपको बहुत सारे इल्हामात होते हैं, मुझे यकीनी बात है, रास्ते खुलते जाते हैं, आपका जहन खुलता जाता है, आपको हकीकत से शनासाई होती जाती है, हक मिलता जाता है, हक से ताल्लुक बनता जाता है, कुर्बत हासिल होती जाती है, उतनी जितना हम दूर होते हो गए हुए हैं उतनी कुर्बत हासिल होती जाती है। सुनिए मेरी बात तवज्जो के साथ, इंसान की जो उम्र है अगर हम उसका मुवाजना करें दूसरी मखलूकात के ऊपर, जैसे कि एटलांटिक ओशियन है, कितनी उम्र होगी उसकी, पैसिफिक ओशियन है जो कॉन्टिनेंटल से दूसरे कॉन्टिनेंटल, तीसरे कॉन्टिनेंटल तक जाता है, कितने बड़े सगीरों को वो टच करता है, ओशियन जो है बड़े बड़े समंदर है, कितनी उम्र होगी उनकी, मिलियन ऑफ ईयर्स। सितारों की उम्र कितनी होगी, मिलियंस ऑफ ईयर्स। चलो बहुत दूर की बात है, आप सब हिल स्टेशन पे गए होंगे, पहाड़ देखे होंगे आपने, ठीक है, एक एक पहाड़ के, हिमालय के पहाड़ कहाँ से शुरू होते हैं, सिलसिला कहाँ खत्म होता है जाकर, एक एक पहाड़ की उम्र कितनी होगी, कई हजार साल, हजारों साल उनकी उम्रें हैं, ऐसे ही है, एम आई राइट? और आपने कई जिंदगी में सुना होगा दरख्त हैं, कई कई हजार साल उनकी उम्र होती है, 1,000 साल दरख्त की उम्र है, 2,000 साल दरख्त की उम्र है, एक आम इंसान की उम्र कितनी है, 70 साल, 60 साल, को बहुत ही ज्यादा चला जाए तो 100 साल तक उम्र चली जाती है, बहुत कम एवरेज है। अब इंसान की उम्र आप देखिए इतनी सी कम सी उम्र है, और उनके बदले में बाकी मखलूकात की उम्र देखें, दरख्त की उम्र आप देख लें, पहाड़ों की उम्र आप देख लें, कितनी कितनी उम्र है उनकी, कब कब से, कब से बने हैं, कितने सालों से, हजारों सालों से, और ऑप्शन को देख लें। अल्लाह ताला ने अभी तो और भी इसके अलावा भी बड़ी निशानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, सूरज की उम्र आप देख लें कितनी, हमारे चांद की उम्र कितनी होगी, ठीक है, बहुत सारी मिसालें आपको मैं दे सकता हूँ, आपके सामने मौजूद है, इंसान की उम्र कितनी छोटी रखी है हमें जो नजर आ रही है, और बाकी ओशन, बाकी जो कायनात के मखलूकात हैं बाजार देखने में उनकी उम्र कितनी ज्यादा है। होना यही चाहिए था कि अशरफुल मखलूकात होने के बलबोते पर, की फजीलत पर, इंसान की उम्र उनसे ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि उम्र एक जिंदगी का एक खास रुकन है, एक खास एक एलिमेंट है इंसान की जिंदगी की, जो उम्र है ठीक है, उसमें भी इंसान को बाकियों से आला दर्जे पर होना चाहिए था, मगर बजाहिर हमें जो मालूम होता है वो ये है कि इंसान की उम्र बाकी मखलूकात से कम है, छोटी है। अब जो इबादुर रहमान है वो समझ गए हैं, वो समझ जाते हैं, उन्होंने समझ लिया है, मान लिया है, ईमान ले आए हैं, पुख्ता यकीन कर लिया है कि यहाँ हमने नहीं रहना है, ये आरजी रुकने की, ठहरने की, इस्तकरार वाली जो जगह है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मुख्तसर रुकने की जगह है ये, मुकम्मल क्याम वाली जगह नहीं है, इसके बाद जहां पे हमने जाना है वो मुसलसल मुस्तकिल रहने की जगह है, वो मुस्तकिल मुकाम है, जिसको कुरान पाक ने इस लफ्ज के साथ ताबीर किया है, खालिदीना, खालिदीना हुम फीहा खालिदून भी कहा है, उसमें हमेशा रहेंगे, या दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया है आबदन आबदा, ठीक है, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, आबदन आबादा, अबदियत, ला मतनाही सिलसिला, मिलियंस ऑफ ईयर, बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो मान लीजिए इस बात पे ईमान ले आए, किसी के साथ ज्यादती ना करें, इबादुर रहमान के जो सिफात अभी हम पढ़ेंगे इनको अपनी जिंदगी का शेवा बनाएं, अपनी जिंदगी में कुरान को यहां से या जुबान से लेकर नीचे, अलग से नीचे लेकर जाएं, अपने जिस्मों पर उतारे कुरान की नायात को, मैंने कहा था ये याद करनी है आपने, शायद ही किसी बच्चे ने याद की हो, आज भी मुझे उम्मीद है कि किसी का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आना, आज भी नहीं आना, कितने दिनों के बाद भी, एक दिन का ये मामला है सिर्फ, आपको सहाबा-ए-किराम एक दिन में, एक वक्त में 10 आयत याद करते, फिर एक दूसरे के साथ
उसको उसकी तकरार करते, एक दूसरे को सुनाता दूसरा पहले को, हालांकि उनकी जुबान अरबी थी फिर भी वो दादा सा याद एक दूसरे को याद करके सुनाते। हमने कुरान को इसी तरह से पहले याद करना है, समझना है, उसके बाद फिर उसको अपने जिस्मों में उतारना है, फिर ही हमारी इस्लाह हो सकती है, फिर ही हम कामयाब लोगों के लिए फहरिस्त में आ सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि इंसान की उम्र जो है वो बाकी मखलूकात से हमें बज़ाहिर कम लगती है, लेकिन दरअसल ना ओशन ने दोबारा, जब दुनिया फना हो जानी है, ख़त्म हो जानी है, क़यामत आ जानी है, ना ओशन की दोबारा ज़िंदगी है इस जहान के बाद, उसका दोबारा कोई जहान हुआ है, ना दरख्तों का होना है जो हमारे पास इतने मौजूद है, ना इन पहाड़ों का दोबारा वजूद आना है, इनका वजूद सिर्फ इस दुनिया के लिए है। इंसान का वजूद इस दुनिया के लिए नहीं है, इंसान का वजूद आने वाले वक्त के लिए है, आने वाली दुनिया के लिए है। वो दो तरह की है, या तो वो जन्नत में होंगे या वो जहन्नम में होंगे। तो इबादुर रहमान क्या कहते हैं, या अल्लाह हमें ये जहन्नम का जो रास्ता है, जहन्नम की जो जगह है, वो जो मुकाम है, या अल्लाह उससे हमें बचा लेना, हमें जन्नत में रखना। हीरा जफर जिंदाबाद, अगर आपने याद कर लिया तो मुझे बड़ा, आई फील प्राउड ऑफ यू। हीरा जफर जिंदाबाद, सलामती हो आप पर। नमाज में भी इनको दोहराया करें, अपने अपने आप का तस्किया आपने खुद करना है। आप उलमा के इकराम के पास नहीं जाते, किसी दरवेश की हम बैठक में नहीं बैठते, किसी दरवेश के पास नहीं जाते, कुरान हमारे पास है, हम कम से कम इसको तो समझें, इसको तो याद करके, ये हमारे पे इख्तियार में है। हम नहीं जा सकते हैं, हमें पता है बाहर इतनी वो फिरका वारियत है, एक अपने फिरके मसले के बारे में बताते, दूसरे भाई वो अपने में बताता है, ये हमारे जहन में बैठा दिया गया है, लेकिन ये नहीं बैठाया गया है जो कुरान है इसको तो याद कर लो, इसको तो समझ लो, आपके सामने मौजूद है सारी बातें, इसमें से निकाल लो, शऊर दो इसको, थोड़ी सी तवज्जो दो इसको, रोजाना 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 रोजाना, ठीक है। तो इबादुर रहमान क्या करते हैं कि या अल्लाह अजाब जहन्नम से हमें बचा, दरअसल अपनी जो असल जिंदगी है वो पहचान चुके हैं कि असल जिंदगी ये नहीं है, असल जिंदगी वो है जहाँ पे जितने भी मसायब आए, जितनी भी तकालीफ आ जाए, जितनी भी वबाएं आ जाए, सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती हैं। आप दूसरी तरफ आ जाए, यहाँ पे जितने भी आपको इनामात मिल जाए, जितनी भी तरक्कियाँ मिल जाए, जितनी भी इज्जतें मिल जाए, सब अल्लाह की तरफ से, जितनी भी नेमतें मिल जाए, सब अल्लाह तआला की तरफ से आजमाइश होती है। वो भी आजमाइश है, मसाइब भी, तकालीफ भी, और ये भी आजमाइश है कि आपको नेमतें मिल रही हैं, आपको खुशियाँ मिल रही हैं, यहाँ पे सिर्फ आजमाइश है। असल जिंदगी जो है, असल जिंदगी, यहाँ से मसाइब में सब्र करें, नेमतों पर शुक्र अदा करें, अपना हक पूरा कर लें, दिल से करें। आपके पास चीज आ गई, आपके पास हदायत का जरिया आ गया, क्या इस तरह से करेंगे तो आपको जहन्नम के अजाब से बचा दिया जाएगा, जन्नत में रख लिया जाएगा, ठीक है। हम आप आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, अगर समझ आ गई है तो कमेंट कर दें, नहीं तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, जहां से समझ नहीं वहां से आपको बता देता हूँ। दरअसल हमारी जिंदगी का असल मकसद जो है ना, वो अपनी जिंदगी जो हमारी असल जिंदगी है, बिलियंस ऑफ ईयर्स वाली जो जिंदगी है, जो हमेशा हमेशा रहने वाली जिंदगी है, वो है या तो हम बुरे घर में रहेंगे या फिर हम बहुत ही अच्छे घर में रहेंगे। ये इख्तियार अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि आपने कौन सा रास्ता, कौन सा घर इख्तियार करना है दुनिया में रहकर, अपने जिम्मेदारियां पूरी करें। सुम्मा लतुसअलुना यौमा इज़िन अनिन नईम, तुम्हें तुमसे सुम्मा लतुसअलुना, तुमसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा हर नेमत के बारे में। सुम्मा लतुसअलुना यौमा इज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन तुमसे हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। टू पॉइंट जो बच्चे सामने लिखे हुए, इनमें से आखिरत अखराजात में म्याना रवि कि बिरा गुनाहों से इज्तनाब, ये दो पॉइंट रिपीट करने। चले जी, सबको उम्मीद है समझ आ गई है, इस समझ को आपने अपनाना भी है, ये भी समझ आ गई है कि आपको ये आयात जुबानी याद करनी है, समझ आ गई आपको ये आयात आपने जुबानी याद करनी है, जुबानी जुबानी याद करनी है। ये आयात बार बार आपको कह रहा हूँ, और सूरह मोमिनून की भी आयात जो हमारे सिलेबस का हिस्सा, पहली 11 आयात है सूरह मोमिनून की, 18वां सपारा वहीं से शुरू होता है, 18वें सपारे के शुरू में है बिल्कुल सूरह मोमिनून, उसकी इब्तदाई पहला सफ़ा जो है ना याद का, 11 आयात, वो आपने याद करनी है।
जी अखराजात में भी आना रवि अख्तियार करना, कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करना, ये हमारे इस सिलेबस का टॉपिक्स हैं दो आखिर के। इंशाल्लाह तो तब बच्चे सना कबल आप आइंदा आप कहो कि ओके सर हो गई आज, जैसे आज कहा है कहा गया एक दो की तरफ से। आगे चलते हैं, आज ही याद करें, आज जुमातुल मुबारक है, आज ही याद करें। जुमा का दिन इबादत का दिन होता है और बहुत मुतबरक दिन होता है, और हमारा रुझान भी ज़्यादा इबादत की तरफ होता है तो आम दिनों की निस्बत ज़्यादा होता है। तो आज के दिन हम अगर कोई दीनी कोई मजहबी काम करें तो उसको हम ज़्यादा ऐसे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं, ज़्यादा खुशू के साथ, ज़्यादा दिल लगी के साथ, क्योंकि जुमा का दिन है। चले जी सूरह फुरकान। व इबादुर रहमान, अल्लाह ताला फरमाते इबादत खुदा के बंदे वो हैं, अल्लाह जीना जो यम शूना। चले जी अब बताएं यम शूना का मायना बताएं, तर्जमा नहीं देखना किसी ने भी। बस जो जो याद करेगा ग्रुप के अंदर मुझे बताते जाए, सर आज मैंने याद कर लिया है, और उसको रोजाना नमाज में याद करनी है, आपने नमाज में पढ़ना भी है उसको। अच्छा यमशूना का मायना बताएं जल्दी से। इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना, यमशूना का मायना मरियम गलती हो गई आपसे, निदा ने बिल्कुल सच बताया। आज निदा बहुत अटेंटिव है माशाल्लाह, हर बात पे फौरन जवाब दे रही है। नरमी से गलत बताया आपने, महक चलना अक्सा नजीर ने बिल्कुल सही बताया है, निदा ने सही बताया है, चलते हैं। यमशू ना मैंने आपको बताया था, यमशी का मतलब होता है चलना, यमशी चलना, यमशी का मतलब होता है चलना, यमशी चलना। यमशू ना, यमशू ना जमा का सिगा आ गया है आजी से चलना, नहीं सिर्फ चलना। यमशू का मायना है सिर्फ चलना, आजसी से नहीं है, मैंने सिर्फ यमशू का मायना समझा। आप फिर नीचे से देखते हैं तर्जमा, फिर वो लिख देते हैं ऊपर। आप इस तरह से आपको कैसे आएगा बच्चे। वाई इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना, इबाल्ला के बंदे अल्लाह रहमान के बंदे वो हैं जो अल्लज़ीना जो यमशूना चलते हैं, अलल अर्द जमीन पर हौना आहिस्तगी से, आजजी से कह लें, आहिस्तगी से चलते हैं, नरमी से चलते हैं, हाउना हाउना आहिस्तगी से नरमी से। वाइजा खाता बाहुमुल जाहिलून, खाता बाहुम इसका मायना बताएं मुझे। इस पर उस दिन मैंने बड़ी बहस की थी, बहुत आपको ये इसके बारे में बताया था और समझाया था। खाता बाहुम का माना क्या है, खाता बाहुमुल जाहिलून, चलो दोनों लफ्ज मिला के इसका मुझे तर्जमा बताएं। वैजा और जब खाताबाहुमुल जाहिलून, बताएं जरा अक्सा, खाताबाहुमुल जाहिलून मुखातिब करना निमरा, गलत है, मुखातिब करना नहीं है। लुबैना ने कहा बात करना, चल दोनों को मुझे बताएं। खाताबाहुमुल जाहिलून, जाहिल लोग मुखातिब होते हैं, ये 49 रोल नंबर कुछ बताया है, गलत बताया है। जाहिल उनसे मुखातिब होते हैं, मरियम शह सजर ने बताया है, जब जाहिल उनसे खताब करते हैं, रोशना ने भी सही बताया है, खिताब करना जाहिलों से, अलीज़ा आपने गलत बताया है, ये गलत है। रुबाब जाहिल उनसे मुखातिब होते हैं, बिल्कुल सही है। हीरा जफर जब जाहिल उनसे खिताब करते हैं, सही है, बिल्कुल मुखातिब करते हैं, ठीक है, जाहिलों से मुखातिब होते हैं। महक गलत गलत बताया आपने।
नजीर। अच्छा जी, सही बताया होगा, पता नहीं आपने क्या बताया। नीचे चली गई, अच्छा लाइट वो आ रही आपकी। और जाहिल लोग मुखातिब होते हैं इनसे। गलत निमरा, गलत निमरा, आपने गलत किया कहा है। अब वाइजा खा, मैंने उस दिन आपको इस पे 5 मिनट लगाए थे ये बात समझाने में। खाताबाहुमुल जाहिलून, आपको समझ नहीं आई। खाताबाहुमुल जाहिलून, जाहिलों से खाताब मुखातिब खुद नहीं होते, खुद बहस नहीं करते जाहिलों से, जाहिल उनसे बहस करते हैं। इबादुर रहमान, आप समझ लें, अब आपको मैं एक डायरेक्शन दे रहा हूं, आप उस तरीके से समझें। जाहिल लोग मुखातिब होते हैं, अब एक डायरेक्शन सुने। हाँ जी नीता, आप सही बताया आपने। वा इबादुर रहमान लजीना, अल्लाह के रहमान के बंदे वो हैं, अल्लाजीना जो, यमशूना चलते हैं, अल अर्दे होना हूँ, आजी के साथ जमीन पर चलते हैं। वाइजा, जब वो चल रहे होते हैं, समझ रहे कि वो जा रहे हैं बाजार से, रस्ते से गुजर रहे हैं, किसी गली से गुजर रहे हैं, आजी के साथ गुजर रहे हैं, उनके अंदर इनकसारी होती है, आजजी होती है, आजी से वो जमीन के साथ चल रहे हैं। अकड़ कैसे, अकड़ कर नहीं चल रहे, तकबर नहीं है उनके चाल चलन में, फख्र नहीं है, आजजी है उनके चाल चलन में। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे जो रहमान, जो मेरे जो बंदे हैं वो हैं कि जब वो चलते हैं, यम शून अल अर्दे, किसी गली से गुजर रहे हैं, किसी बाजार से गुजर रहे हैं, किसी सड़क से गुजर रहे हैं, गुजरते गुजरते वैजा खाता बाहुमुल जाहिलून, और रस्ते में कोई जाहिल उनको मुखातिब करके गए। ओए, समझ आ गई मेरी बात की। एक आदमी जा रहा है रस्ते में, कोई रस्ते में कोई मिल जाता है, कोई बैठा या खड़ा कोई मिल जाता है, उसको कहता है ओए बात सुन, बदतमीजी से उसके साथ बात करता है, बदतहजीबी से उनके साथ पेश आता है। चल रहा कौन है? जो इबादुर रहमान है, जा वो रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो चल रहे हैं जमीन पर, गलियों में से गुजर रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, घर से निकल रहे, किसी बाजार में जा रहे हैं, बाजार में से गुजर रहे हैं। तो वाइजा खाता बहुमुल जाहिलून, जब जाहिल उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे बात करते हैं, कालू तो वो कहते हैं सलाम, हाथों पर सलामती हो, आगे गुजर जाते हैं। समझ आ गई बात की? रहमान के बंदे जमीन पर चल रहे हैं, मतलब गली में से गुजर रहे हैं, कोई मुखातिब होता है उनसे, कोई जाहिल गवार को बंदा उनसे मुखातिब होता है, उनको पुकारता है, उनको उनसे बात करता है, बदतहजीबी करता है, गाली गलौज करता है, तो वो बजाय के या किसी की गिबत करनी शुरू कर देता है, फला बंदा इस तरह से वो, या इस तरह की कितने जो बुराइयां होती हैं इंसान में, नाफरमानियों वाली, वो ऐसी बातें करना शुरू कर देता है इबादुर रहमान के साथ, अल्लाह के बंदों, रहमान के बंदे के साथ जो चल रहा है रास्ते में जा रहा है, उसको रोके, उससे बातें करना शुरू कर दिए। तो आगे से ये जवाब देते हैं, कालू कहते हैं सलामत, उन पर सलामती हो। समझ आ गई बात की? वा इबादुर रहमान इल्ला जिन, आप आयत पर गौर कीजिएगा जो आपके सामने आयत है, वा इबादुर रहमान, रहमान के बंदे वो हैं, अल्लाह जीना जो, यमशूना अल अर्दे, जमीन पर चलते हैं, आओ ना आजी से, नरमी से, आजी से, कसारी से। वैसा, और जब खाताबाहुमुल जाहिलून, जब जाहिल उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे बात करते हैं, कालू सलामत, वो कहते हैं तो पर सलामती हो, आगे गुजर जाते हैं। हम भी अगली स्लाइड पे चलते हैं। वल्लाजीना, और जो यबीतूना, यबीतूना का मायना मैंने आपको कुछ बताया था, क्या था यबीतूना? बताएं इसका आंसर। यबीतूना, गुजारना, अक्सर नजीर, जिंदाबाद। सबसे पहले अब निदा पीछे रह गई आज, अभी यबीतूना, बिताना, किसी के साथ वक्त बिताना, रात बिताना, किसी की याद में गुजारना, यबीतूना। समझ आ गई बात की? या भी तू ना, या तो ग्रामेटिकली आया, मजारिया का सिगा है, उसको साइड पे निकाल दें, आखिरी वाव और नून भी निकाल दें, ये जमा का सिगा है, बाकी बैत बाकी बाज देता है। बेताना, बसर करना, गुजारना। निदा, अभी तक आपको या तो मेरी आवाज नहीं आ रही, अब आ गया आपका मैसेज भी। रात गुजारना, या भी तू ना, रात गुजारते हैं, वल्लज़ीना जो, या बीतूना बिताते हैं, रातों को बिताते हैं, रात गुजारते हैं, ले रब्बिहिम, रब के लिए, ले रब्बिहिम, रब के लिए, सुज्जादम व कयामा, सजदा करते
करते हैं और क्याम करते हैं, यानी अपनी रातों को बल्ला जीना या बीतूना, ये वो हैं इबादत रहमान वो हैं, या बीतूना ले रब्बे ही सज्जा व क्यामा, अपने रब के लिए सजदा रेजी और क्याम में रातें बसर करते हैं। आगे चलते हैं। वल्लज़ीना जो यकूलूना कहते हैं, रब्बाना ए हमारे रब, असरिफ अन्ना, असरिफ अन्ना, असरिफ का मतलब होता है छुड़ा देना, सरफा कर लेना, बचा लेना। आपको पता है अमूमन घरों में कुछ खवातीन के बारे में ये सिफत बयान की जाती है, कुछ इसको सिफत कहते हैं और कुछ तंजिया भी कहते हैं, बड़ा सरफा करती है। हटा लेना, सरफा करना ना, सरफा किया जाता है, खवातीन बड़ा बड़ा सरफा करती है, बड़ा बचाती है, बचा लेती है, रख लेती है, ऐसा कहा जाता है ना, सरफा कर लेना। तो ये अशरीफ का मायना है कि सरफा हटा लेती, बचा लेती है। अल्लाह ताला रब्बा ना असरिफ है, अल्लाह हमें बचा ले अन्ना अजाबा जहन्नमा, अपने दोजक के अजाब जहन्नम से, जहन्नम के अजाब से हमारे रब, तो हमें हमसे दोजक के अजाब हटा ले या हमें उससे बचा ले, फेर दे, बचा लेना। तीनों ठीक कहा है आपने निवरा। इन्ना बेशक अजाबा, हा अजाबा, हा माना क्या है कि जहन्नम का जो अजाब है ना, जो अभी बात हो रही, इन्ना अजाबा हा, उसका जो अजाब है ना, अजाब जहन्नम, जहन्नम आग का जो अजाब है, काना गरामा, बहुत ही मोहलक है, बहुत ही खतरनाक है, गरामा बहुत ही दायमी भी हम कह सकते हैं, देर पा है, यानी कि इबादत रहमान, अभी मैंने जब बात की ना शुरू में, वो समझ चुके हैं, उनको यकीन हो गया है कि अभी हमने एक जगह पे जाना है जो हमारा असल मुकाम है, दायमी जिंदगी है, या वो जहन्नम की है या वो जन्नत की है, या वो जन्नत है या वो जहन्नम है। तो जहाँ पहले जहन्नम से तौबा करते हैं इबादत रहमान, फरमाता मुझे उनकी तौबा बड़ी पसंद है, जन्नत जहन्नम से जब तौबा करते हैं कहते हैं कि वल्ला जीना यकूल ना, और वो इबादत रहमान वो ये कहते हैं चले। अब हम वापस आ गए हैं। इन्ना अजाबा, जो जहन्नम का जो अजाब अभी बात किए, अजाबा जहन्नम, इन्ना अजाबा, बेशक जो आग का अजाब है, काना ग्रामा, बहुत मोहलक है, बड़ा खतरनाक है, बड़ा दर्द देने वाला है। इन्ना हा साअत मुस्तकर व मुकामा, इन्ना हा उसका साअत बुरा है, साअत का मतलब है, अभी मैंने बता ही दिया आपको, अगर मुझे बताएं साथ का मायना क्या बताया अभी मैंने, साथ का मायना क्या है? हाँ जी रोशना, बिल्कुल बुरा है, मैंने खुद ही बता दिया था। इन्ना हा साअत मुस्तकर्रम वा मुकामा, के वो आरजी के आमगा भी के तौर पर भी, इन्ना साथ वो बुरा है, बेशक वो आरजी ठहरने वालों के लिए भी बुरी करारगा है, मुस्तकरन करारगा है, वह मुकामा और दामी रहने वालों के बुरी कयामगा है। समझ आ गई बात अब आपको, ये भी आगे चलते हैं।
वल्ला जीना और जो इबादुर रहमान वो हैं जो वल्ला जीना और इबादुर रहमान वो हैं जो इजा जब अनफाकू, अनफाकू का मायना क्या है बच्चे आप नीचे तर्जमा ना देखें, मुझे आपको पता ही अल्फाज इसका मायना आता है अनफाकू नाफाका अनफाक अनफाकू का मायना बताएं अनफाकू इजा वल्ला जीना इजा अनफाकू निमरा ने बता दिया सबसे पहले खर्चना खर्च करना लुबैना बिल्कुल सही कहा है अनफाकू खर्च करते हैं जब वो खर्च करते हैं वल्ला जीना और जब वल्ला जीना इबादुर रहमान वो हैं जो इजा जब अनफाकू खर्च करते हैं लम युसरफू ना इसराफ करते हैं लम नहीं युसरफू इसराफ करते हैं वलम और ना यकतोरू और ना ही हाथ खींचते हाथ रोकते हैं वकाना और उनका खर्च करना होता है वकाना होता है बैना जाले का कवामा इनके दरमियान एतदाल पर कवामा एक एतदाल पर होता है कि यानी कि जब वो खर्च करते हैं बहादुर रहमान ना वो ज्यादा इसराफ करते हैं फजूल खर्ची करते हैं और ना ही कंजूसी करते हैं ना ही तंगी करते हैं ना कंजूसी करते हैं यकतोरू हाथ रोकते हैं या तंगी करते हैं ना कंजूसी करते हैं जब वो खर्च करते हैं ना ज्यादा फजूल खर्ची करते हैं ना कंजूसी करते हैं वकाना और उनका खर्च करना होता है बैना जाले का कवामा इत्तदाल पर दोनों के दरमियान इत्तदाल पर होता है दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हैं वल्लज़ीना और जो ला यदऊना इसका मायना क्या है यदऊना ला याद ऊना का मायना क्या है ला याद ऊना वल्लज़ीना ला याद ऊना ला याद ऊना का मायना क्या है निदा नहीं पुकारते सही कहा लेकिन आपने मुझे लगता है कि आपने तर्जमा से देखकर ही कहा है या आपके पास किताब पढ़ी है उसमें सहरिश इबादत गलत है शायद सहरिश आप थोड़ी सी रजू करें ऐसा नहीं है बुलाना रुबाब ने सही कहा है चले जी हम वापस आ गए हैं वल्ला जीना और जो ला यादऊना नहीं पुकारते नहीं बुलाते ला यादऊना नहीं पुकारते मा अल्लाह अल्लाह के साथ मा अल्लाह अल्लाह के साथ मा आ का माना होता है के साथ जैसे कि आप बात कुछ सपारा लेने जाते हैं ना मार्केट से या आप किसी सपारे को देखिए उसके तर्जमे वाले को बाहर लिखा होता है या सूरह यासीन आप देख रहे हैं सूरह यासीन मा तर्जमा तर्जमा के साथ सूरह यासीन तो मा अल्लाह है अल्लाह के साथ ला यादऊना नहीं पुकारते मा अल्लाह है अल्लाह के साथ इलाहन माबूद आखरा किसी दूसरे को इसका मैंने आपको लफ्जन तर्जमा सारा बता दिया है वल्लज़ीना रहमान के बंदे वो हैं जो ला यादऊना नहीं पुकारते मा अल्लाह अल्लाह के साथ इलाहन माबूद आखरा किसी दूसरे को
ठीक है, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को माबूद नहीं पुकारते, इलाह के तौर पर नहीं पुकारते, किसी दूसरे की पूजा नहीं करते, कि पूजा नहीं करते, आप ये भी कह सकते हैं पूजा नहीं करते या नहीं पुकारते मदद के लिए। वला यक्तुलूना, वला यक्तुलूना और ना कत्ल करते हैं, नफ्सल्लती, किसी नफस के साथ, ना किसी नफस को कत्ल करते हैं, मारते हैं, अल्लाती हर्रम अल्लाह हो कि जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया हो, इल्ला बिल हक के, मगर हक के साथ, कि जब तक जरूरी ना हो जाए मजहबी तौर पर या दुनियावी किसी वजह से उसको कत्ल करना, सजा देना लाजम ना हो जाए उस पर, तो जिसको अल्लाह ने, बाकी सब जानों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है कि उसको कत्ल किया जाए, वो मारा जाए, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। इस आयत का माना ये है, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला के अख्तियार में है। तो वाला यक्तुलूना, वो ना कत्ल करते हैं नफ्सों, किसी जान को, अल्लाह दी हराम अल्लाह, जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, अल्ला बिलहक मगर हक के साथ। बला और ना यज़नून, जिना करते हैं, व मैं यफ़अल, और जो इस तरह से करता है, वमई, और जो यफाल ऐसा करता है, जालिका इस तरह से, यलका इसामा, उसने गुनाह अपने जिम्मे ले लिया, बहुत बड़ा गुनाह। यलका इसामा, इसम असम, अलिफ से मीम, अलिफ से मीम, असम गुनाह को कहते हैं, यलका इसामा, वो सजाए गुनाह पाएगा, ये भी हम कह सकते हैं, यलका इसामा, उसको सजा गुनाह मिलेगी, उस गुनाह की सजाएं मिलेगी, चाहे वो इबादुर रहमान है, चाहे वो इबादत गुजार है, उनको 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 सजा जरूर मिलेगी गुनाहों की, जब जब वो इन तीनों गुनाहों में से कोई गुनाह कर लेगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे अलावा शिर्क है जो सबसे बड़ा गुनाह है, अकबर उल कबाइर, इसमें बात की गई है, ला यदूना माल ला इलाहन आखरा, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को नहीं पुकारता, शिर्क नहीं करता, अल्लाह के जो रहमान को जो बनते हैं, वला यक्तुलूना नफ्स अल्लाती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक, और ना वो किसी जान को कत्ल करते हैं जिसको अल्लाह ताला ने, जिसकी हुर्मत रखी हुई है कि उसको कत्ल नहीं करना, बिल्ला बिल हक मगर हक के साथ किसी को कत्ल करते हैं, किसी जैसे जंग में हो किसी को कत्ल करना जरूरी हो जाता है, ऐसे इसी तरह, या किसी ने आपके किसी वारिस को में से किसी को मारा हो, किसी रिश्तेदार को मारा हो, तो उस पर वो कत्ल वाजिब हो जाता है, ठीक, इस तरह उसमें कुछ मामलात हैं। तो उसके अलावा बाकी सब इंसानों को की तकरीम करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, ठीक है, और बला या जुनूना, और जिना भी नहीं करते, तीन बड़े गुनाह इसके अंदर बता दिए हैं कि ये तीनों काम नहीं करते जो रहमान के बंदे हैं। वमन यफअल ज़ालिका, अगर वो इस तरह करते हैं, ज़ालिका इस तरह करते हैं, यल का इसामा, तो बहुत बड़ा गुनाह उन्होंने अपने सर ले लिया, या वो गुनाह की, इस गुनाह की सजा पाएंगे, ठीक है। मैंने आपको मिसाल पेश की थी हजरते खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इवन के हजूर सल्लम की वो जोजा बन गई, निकाह हजूर सल्लम के साथ, पहला निकाह हजरत खदीजा का, हजूर सल्लम का हजरत खदीजा के साथ हुआ था पहला, जबकि हजरत खदीजा का तो दूसरा या तीसरा निकाह था, बाकी पहले शोरों को छोड़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 40 साल की उम्र में, हुज़ूर सल्लम की उम्र 25 साल थी, तो निकाह हो गया, निकाह एक औरत का एक नबी के साथ निकाह हो जाना बड़ी फजीलत वाली बात है, बरकत वाली बात है, अशरफ वाली बात है, कि उसको इज्जत और तकरीम हासिल हो जाती है इंसानों पर, बाकी आम मखलूक पर, कि वो एक नबी, नबी क्योंकि सबसे अला दर्जे पर होता है इंसानों में, तो नबी के साथ जब निकाह हो जाए, निस्बत हो जाए, तो उसकी भी फजीलत हो जाती है। मगर अल्लाह ताला ने इस फजीलत को प्रायोरिटी नहीं दी, समझ आई बात की। दूसरी तरफ देखते हैं, हजरते नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी, हजरते नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे, उनकी भी बीवी थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे, उनकी भी बीवी थी,
सूरह तहरीम की आखिरी आयात, सूरह तहरीम की आखिरी आयात का आप तर्जमा पढ़ के देखिएगा। अल्लाह ताला ने नाम ले लेकर, नाम ले लेकर कहा है कि ये जहनमी है, ये दोजखी है। बीवियों को, नबी की बीवियों को कहा है कि नबी के साथ नस्बत तय हो जाने से आप गुनाहों से बरी नहीं हो जाते, आप कामयाबी हासिल नहीं कर लेते। तो उस जहान की जहां पर आपने जाना है, एक नस्बत तय होने से नहीं है, आपको इन चीजों से बचना है जिनके बारे में कहा जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने ये चीजें अपनी इबादत रहमान में देखी है, मेरे अब्द बन जाओ, मेरी इबादत करोगे, मेरे अलावा किसी को शरीक नहीं ठहराओगे इबादत में, किसी जान के साथ जुल्म नहीं करोगे, किसी के साथ उतर ये ख्वाहिश नफ्स के पैरवी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे वगैरह वगैरह, ताल्लुकात इस तरह के किसी शख्स के साथ नहीं बनाओगे, अपना नफ्स इस तरह से खराब नहीं करोगे, अपनी इज्जतें खराब नहीं करोगे, तो ये आप मेरे इबादुर रहमान हैं, तो आप मेरे बंदे हैं इस तरह के जिनको मैंने पसंद किया है। अगर तुमने ये काम कर लिया, मेरे इबादुर इबादत भी करती हो मेरी और मेरी ही पूजा, मेरे अलावा किसी को पुकारते भी नहीं हो, किसी जान के साथ जुल्म भी नहीं करते, अगर तुम जिना कर लेते हो तो भी वमई या फलजाले का जल का इसामा, तो ये सजा भी तुम्हें, गुनाहों की गुनाह की सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। और कितनी मिलेगी अल्लाह ताला फिर आगे मजीद फरमाता है, आम इंसान को तो मिलनी ही मिलनी है, जो आम इंसान है इबादुर रहमान के अलावा भी अगर कोई मुसलमान है, चाहे वो मोमिन है, चाहे वो आम इंसान है, गैर मजहबी है, उनको तो सजा मिलनी ही है। लेकिन इबादुर रहमान में से अगर कोई ये गुनाह कर लेता है जिनको अल्लाह ताला ने पसंद किया है, इबादुर रहमान जो बड़े फजर वाले बड़े कर्म वाले बंदे होते हैं, वो भी अगर इनमें से कोई गुनाह कर लेता है, फरमाता फिर मैं उनके साथ क्या करता हूँ, युदाफ लहू, मैं और बढ़ा देता हूं उनके लिए, जो दाफ बढ़ा देता हूं लाहू उनके लिए अजाब, या बढ़ा दूंगा, दोगुना कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, जो दाफ लाहू उनके लिए बढ़ा दिया जाएगा, लाहू उनके लिए अजाब, अजाब को यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन उनके अजाब को और दोगुना कर दिया जाएगा। वयख़लुद फीहि मुहाना, और वो इसमें दाखिल हो जाएंगे, व यखलुद दाखिल हो जाएंगे, फी है इसमें मोहाना हमेशा के लिए, समझ आ गई, व यखलुद, व यखलुद फी है मोहाना, वह इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाएंगे। दो अजाब तो एक होना ही होना है, यहाँ का जो अजाब होगा अल्लाह ताला फरमाता है जो दाफ लहू अजाब जो अमल किया मा, कि उनके अजाब को क्या के दिन मैं इन बंदों के, अगर इन्होंने ये मुझ पे ईमान लाने के बाद सारी बातें दिल से तस्दीक करने के बाद भी अगर इन्होंने मेरे इन तीन गुनाहों में से कोई काम किया, कबरुल कबायर में से कोई भी काम किया इनमें से, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको दो गुना कर दूंगा उनके ऊपर अजाब को, समझ आ गई बात की, आगे चलते हैं। इल्ला मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर भी मेरे दिल में मेरे पास रहम है, मेरे पास रहमत है, मेरे पास लाजवाल खजाने हैं रहमतों के, रहम के, रहीमियत के, रहमानियत के खजाने हैं। इल्ला मगर मेरे पास सब कुछ है, मन ताबा जो फिर जाए, पैरवी तोबा कर ले, वा आमाना और ईमान ले, फिर दोबारा से ईमान ले सच्चे दिल से, वा आमेला आमलन सालिहन और नेक अमाल करे, फाउलाए का तो वही हैं लोग जिनके जो बदलुल्लाह अल्लाह ने बदल दिए सय्यआते हैं उनके गुनाहों को, सय्यआत गुनाह को कहते हैं उनके गुनाहों को, हसनात नेकियों में, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर कोई गुनाह कर भी लेता है, इल्ला मगर अगर कोई फिर भी गुनाह करके उसके बाद पशेमान होता है उस गुनाह पर, शर्मिंदगी का इजहार करता है सच्चे दिल से कि अल्लाह मैं भटक गया था रस्ते से, जो तूने रास्ता मुझे बताया था मैं रास्ता बोल के दूसरे रास्ते पर चढ़ गया था, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, अपने मुझे माफ फरमा दे, मैं अपने रास्ते पे दोबारा वापस आना चाह रहा हूँ, अपने रास्ते पे दोबारा वापस आ गया हूँ उस रास्ते पे जिसकी तूने तालीम की है, या तेरे अलावा किसी को नहीं बुलाऊंगा, किसी को इबादत के लिए नहीं, किसी के आगे नहीं झुकूंगा, और की इबादत नहीं करूंगा, या अल्लाह तेरे मैं सब इंसानों की, सब इंसानों की तकरीम करूंगा, उनका एहसास करूंगा, और मैं जिना नहीं करूँगा, मैं बुराई की तरफ नहीं जाऊंगा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। इल्ला मन ताब, अल्लाह फरमाता है कि फिर अगर वो तौबा कर ले, वामन वाले रस्ते पर आ जाए, सीधे रस्ते वामन सवाल आमलन सवालेहन, वो नेक अमल शुरू कर दे फिर से, फाउलाए का बस वही लोग हैं जो बदलुल्लाह अल्लाह ताला बदल देता है, सय्यआतिहिम हसनातिन
उनके गुनाहों को नेकियों के साथ। मकान अल्लाह हो और अल्लाह है गफूर रहीमा बख्शने वाला और बारा ही रहम करने वाला। वमन ताबा अल्लाह ताला फरमाता है और जो तोबा कर ले वामला आमिलन वामला सालेहन और नेक अमाल करे फइन्नहु ये वही हैं यतूबु इलल्लाह मताबा तो इसने अल्लाह की तरफ रुजू किया जो रुजू का हक था मताबा जिस तरह रुजू करने का हक था ठीक है। जो नेक अमाल दोबारा से शुरू कर दे अमान भी ले है नेक अमाल भी शुरू कर दे अल्लाह ताला एक तो ये करेगा कि उन्होंने अल्लाह ताला उनके जो गुनाह जो उसने कर बैठा था गुनाह उसको नेकियों में तब्दील कर देगा उसको सीधे रस्ते पे दोबारा ले आएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि वमन ताबा और जिसने तोबा कर ली और नेक अमल किया तो उसने अल्लाह की तरफ रजू किया ठीक है। तोबा करने का मतलब यह है कि उसने अल्लाह की तरफ रजू कर लिया जिस तरह रजू करने का हक था मतलब उसी रस्ते पर वो वापस आ गया जिस रस्ते पर वो पहले चल रहा था सीधे डायरेक्शन पे दोबारा वापस हो गया उस रस्ते से जिस पे भटक कर चढ़ गया था वापस आया और फिर सिरात मुस्तकीम पर कर बंद हो गया ईमान के साथ पूरे पुख्ता ईमान के साथ और पुख्ता यकीन के साथ और नेक आमाल के साथ ठीक है। यही जो इस तरह हक था उस रस्ते पर चलने का उसी तरह ही उसने चलना उसी तरह से बात करना उसी तरह से ईमान लाना उस तरह से नेक अमल करना उसने दोबारा शुरू कर दिए। ये तौबा का अल्लाह ताला ने फलसफा बयान कर दिया है सिर्फ जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहने से गुनाह करने के बाद थोड़ी सी शर्मिंदगी जाहिर करने से अपने आप को मलामत करने से नहीं होता बल्कि दोबारा आप सिराते मुस्तकीम पर अल्लाह फरमाता है कि आप आ जाएं और जिस तरह हक है उस रस्ते का वो ही आकर दोबारा बजा ले जो सीधे रस्ते का जो हक है उसको वैसे ही बजा लाए उस हक को तो तौबा आपकी कबूल होती है। यही तौबा का फलसफा है। नितामतें अल्लाह ताला के हुजूर कबूल जरूर हो जाती हैं कबूल जरूर हो जाती है लेकिन फरमाता है फिर भी तुम्हें कामयाबी अगर तुम कह रहे हो कि मैं अब कामयाबी भी हूँ आखिर की जिंदगी बेहतर मेरी हो जाए तो आपको सिराते मुस्तकीम का जो लवाजमात हैं वो आपको पूरे करने हैं हर लिहाज में पूरे करने हैं। वमन ताबा व आमिला सालेहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा ठीक है समझ आ गई बात की। अच्छा जी अगली आयत मुबारक में वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूरा वो शहादत नहीं देते गवाही नहीं देते शहादत गवाही देना ज़ूरा बुराई के कामों की या कहीं पे बुराई हो रही हो पता हो आज फलां जगह पे महफल है फलां चीज की महफल है ऐसी महफल है कि जो आपके ईमान को जो बताया गया है सीधे रस्ते का उसमें नक्स पैदा कर दे आपके ईमान में कमी ले आए आपको शायद याद हो कोई बात नहीं वल्लज़ीना ला यशहदूना और वो लोग हैं ला यशहदूना वो हाजिर ही नहीं होते ज़ूरा बुराई के कामों में जहाँ पे कज़ब की बात हो झूठे लोग बैठे हो झूठी गवाही देनी हो बातिल कामों में साथ देना हो किसी का कौलन और अमलन दोनों सूरतों में ज़ूरा ला यशहदूना वो हाजिर ही नहीं होते और फिर मजीद अल्लाह ताला फरमाता है वाइजा और जब मर्रू बिल लगवे मर्रू के रामा मजीद ये है अल्लाह ताला होता है जब मर्रू जब वो गुजरते हैं बिल लगवे किसी लगव बातों में किसी बातल कामों पर फहश चीजों पर फहश बातों में से गुजर करते हैं जहां पे मजलिस हो ऐसी उस उनके दरम्यान से जब गुजर रहे होते हैं मर्रू करामा तो वो तकरीम के साथ इज्जत के साथ निहायत वकार के साथ गुजरते हैं ठीक है। वल्लज़ीना और जब और इबादुर रहमान अल्लाह ताला के बंदे वो हैं इज़ा ज़ुकिरू जब नसीहत की जाए बे आयात रब्बिहिम उनके रब की आयात के साथ उनको जब नसीहत की जाए इज़ा ज़ुकिरू जब वो नसीहत की जाए बे आयात रब्बिहिम रब की आयात के साथ लम यखिरू तो वो उस पर गिरते नहीं है
अलैहा उन पर सुम्मा मुमियाना अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते। ये तो आसान ही आयत है, ठीक है। बल्लसीना और जो यकूलुना कहते हैं, बड़ी खूबसूरत आयत भी है और बड़ी खूबसूरत दुआ भी है। मैंने इस आयत मुबारका को भी याद करने के लिए आपको कहा था कि आपने ये याद करनी है, और हदीस से साबित है, मुतले रवायात से भी, ये दुआ नमाज में भी रब्बी जालनी मुकीम असलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना अग़फ़िरनी व लिवालिदैय्या व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। इस दुआ के बाद ये वाली दुआ जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, ये भी पढ़ी जाती है, कुछ लोग पढ़ते हैं इसको भी, और इसका फायदा होता है। आप अक्सर घरों में घरेलू नाचाकियां, बदमजगियां जो पैदा हो जाती हैं औलाद की तरफ से या बीवी की तरफ से या बीवी को शोहर की तरफ से, जब ये दवा का तसलसल रखते हैं, जब ये दवा को मुसलसल पढ़ते हैं नमाज में या नमाज के बाद भी पढ़ी जाती है दवा अक्सर, जो लोग इसका एहतमाम करते हैं इस दवा का, कुरान कुरान तो फाहोवा शिफा कुल नास, अल्लाह ताला ने फरमाया ये कुरान तो लोगों के लिए शिफा है, तो कुरान की ये आयत जब पढ़ी जाती है तसल्लुल के साथ, इसका एहतमाम किया जाता है, तो इसकी बरकात से इंसान पर जो इस आयत मुतलका जितनी भी रहमतें अल्लाह ताला की हैं वो नाजिल ज़रूर होती हैं, घरेलू जो मामलात हैं वो रफा दफा हो जाते हैं, शैतानी जो नहूसतें हैं वो इस दवा से मलिया मिट हो जाती हैं, नीस तो नबूद हो जाती हैं, अमन और शांति और सलामती हो जाती है घर के अंदर। समझ आ गई है? तो वल्लज़ीना यकूलूना, ये यहाँ तक है, ये बातुर रहमान वो है जो ये कहते हैं, दुआ यहाँ से शुरू होती है, रब्बाना हब लाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रात आयुनिम व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा। रब्बाना हब लाना, ए हमारे रब हब लाना हमें अता कर। मैंने आपको बताया था ना हब, हब का माना क्या है, अता करना, देना, ऐसी चीज की जो हुबा की जाए, गिफ्ट कर दी जाए, हुबा करना होता है, गिफ्ट करना होता है, इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं, देना किसी को। रब्बाना हमारे रब हब लाना हमें अता कर, मिन अज़वाजेना हमारी बीवियों में से, वज़ुर्रियातिना और हमारी औलादों में से, औलादों से हमारी अजवाज और औलादों से हमें अता कर, कुर्राता आयुनिन आँखों की ठंडक, वजअलना और हमें बना, लिलमुत्तकीना इमामा मुत्तकीन का भी इमाम बना दे, इबादत में इतना परहेजगार बना दे, परहेजगारों का इमाम बना, कि हम इतना परहेजगार हम हो, इतनी ज्यादा इबादत गुजारी करने वाले हो, आजजी करने वाले हो, इतना मतलब गुनाहों से परहेज करने वाले इतने ज्यादा हो जाएं कि हम इमाम हो जाएं, मुत्तकीन के भी इमाम हो जाएं। सनकवल तोहफा निमरा, बिल्कुल सही बताया, अब आप साथ साथ मुझे आंसर कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। वल्ला जीना यकूलूना, ये वो रहमान के बंदे वो हैं, यकूलून जो कहते हैं, रब्बाना ऐ हमारे रब हब लाना हमें अता कर, हमें दे, अता फरमा, मिन अज़वाजेना व ज़ुर्रियातिना बीवियों हमारी बीवियों और औलाद से, कुर्राता आयुनिन आयन आँख को कहते हैं, कुर्रात ठंडक आंखों की ठंडक, कुर्राता आयुनिन आंखों की ठंडक हमें अता कर, वजालना और हमें बना, लिलमुत्तकीना इमामा मुत्तकीन का इमाम, परहेजगानों का भी इमाम। समझ आ गई? अगर आपको इसकी तफसीर करनी आ जाए, तर्जमा तो आपने कर लिया, अगर इस आयत ये अक्सर पेपर में आ भी जाती होती है, अगर आपको इसका तशरीह करनी आ जाए, तफसीर करनी आ जाए, तो पहले तो आप वल्लज़ीना यकूलूना इसका आप लिखेंगे कि इबादुर रहमान की, आप थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देंगे, चार पांच लाइनें, वल्लज़ीना से मुराद इबादुर रहमान की बात हो रही है, यकूलूना इबादुर रहमान, फिर ये कहते हैं रब्बाना हबलना हमें अता कर,
अता करना क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से अता होना या अल्लाह ताला की तरफ से अता मांगना क्या है, ये एक हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, इस बारे में आपको पता ही, अल्लाह ताला से मांगा जाता है, भलाइयां मांगी जाती है अल्लाह ताला से, रिजक भी मांगा जाता है अल्लाह ताला से, हर चीज हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, जरूरियात जिंदगी मांगते हैं अल्लाह ताला से। तो ये इसके बारे में आप चार पांच लाना, आप हबला में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकता कोई तो मुझे बताए, मैं नहीं लिख सकता। इबादुर रहमान के बारे में चार पांच आयात लिखनी है, फिर हबलाना के बारे में तीन चार पांच आयात आप लाइंस लिख सकते हैं। मिन अजवाजेना वज़ुर्रियातिना, फिर कुर्रता आयुनिन आंखों की ठंड, औलाद और बीवी से आंखों की ठंडक, इससे क्या मुराद है? ठीक है कि ऐसी याला हमें बीवियां अता फरमा कि जो जिसके साथ जिस्मानी ताल्लुक तो हो, हमारी जहनी हम आहंगी भी हो, जहन भी मिले एक दूसरे के, दूसरे की बात को हम समझ सकें, दोनों समझ सकें, ये नहीं कि वही मेरी बात को मेरे जहन को वही समझे क्योंकि वो बीवी है। यहाँ पे अजवाजना का माना है कि दोनों मियाँ और बीवी, अगर बीवी ये दुआ करती तो अपने शोहर के बारे में अल्लाह तआला से मांग रही होती है कि अल्लाह मुझे शोहर और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक बनाना। मर्दों की आंखों की ठंडक उनकी बीवियां होती हैं औलाद, और बीवियों का आंखों की ठंडक उनके शोहर होते हैं, जब देख लेते हैं एक दूसरे को, अल्लाह तआला ने दोनों के माबैन एक मोहब्बत का एक जज्बा रखा हुआ है, पैदा किया हुआ है, अता किया हुआ है। तो मिन अजवाजना व ज़ुर्रियातना को रात आंखों की ठंडक में वो सारे मामले आते हैं जिंदगी आप बता सकते हैं जो हकूक व फराइज, मियाँ के शोहर के हकूक क्या है, बीवी के हकूक क्या है, औलाद के हकूक क्या है, ये सारे या फराइज क्या है, ये सारे इनमें से आप दो दो भी लिखे ना तो आपका पूरा पेज इसी पे बन जाएगा, अजवाजना व ज़ुर्रियातना। समझ आ गई बात की या नहीं आई, बताएं मुझे जल्दी, कितना कुछ आप इस पे लिख सकते हैं। लगता है आपको आवाज नहीं आ रही किसी को भी, या बोलना ही नहीं चाहते, सुन सुन के थक गए आप। मैं बोल बोल के नहीं थका अभी तक, इमा के गले में खराज, मैंने पानी भी कहा है उनको, शायद ले आए अभी तक पानी। चलो शुक्र है लो बहना, किसी एक को तो समझ आई है। बच्चे आप पेपर को देखें, सवाल अगर आया है ना पुरानी आयात का तर्जमा और तशरीह करें, 10 नंबर का सवाल होता है ये, तर्जमा करेंगे तो आधे नंबर तर्जमा के होते हैं तकरीबन, 2-3 नंबर और बाकी नंबर तशरीह के होते हैं, 2 पेज भी आप लिख लें काफी है। आप हेडिंग्स देख के लिखें ना, ज्यादा से ज्यादा जितनी हेडिंग्स आप देख के लिखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, और समझने वाला जो ना वो उसको कर सकेंगे, हेडिंग्स करेंगे। तो अब आप 2 चीजें इकट्ठी ले हैं, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो अब तो खांसी हाथ तक मैंने निकाला, अभी देखे ना देखे ये पानी आ गया बच्चों में भी, मैं कह रहा था ना फिर एक बार हो जाता होता, कोई बात नहीं, मैं भी बोल जाता हूँ। शुक्रिया आपका, जजाकल्ला। दुबैना ने बड़ी अच्छी बात पूछी है, अभी तशरीह में दूसरी आयात ऐड कर सकते हैं। तशरीह का मतलब यही होता है कि आप हवाला दें कि ये आयत में ये कहा जा रहा है, अल्लाह ताला कुरान पाक के दूसरे मुकाम पर ये बताता है, उस जो नई आयत आयत आपने ऐड करनी है उसके भी 2-3 पॉइंट आप इसके अंदर दें, आपको कितने पेजेस बन सकते हैं एक एक आयत के ऊपर। सिर्फ मेरे बच्चों मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ, आप तदब्बुर करें, सोचें, मैंने अभी लेक्चर दिया इसके बाद अब इसको बंद करके ना रख दें, चैप्टर क्लोज करके ना, इसके ऊपर आप खुद भी देखा करें, आयत को समझा करें, इसका तर्जमा देखा करें, समझा करें कि कहां क्या जा रहा है। हाँ 4-5 लाइंस की ठीक है, आप 1 पेज की भी कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे, 1 पेज के भी आप कर लें, आपको नंबर मिल जाएंगे, अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं, अगर 2-3 पॉइंट अगर तशरीह की हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये दुआ अब आपको याद हो गई है, अगर नहीं हुई ये दुआ भी आपने याद करनी है, वो नमाज के बाद पढ़ा करनी है,
ये घर में सलाम घरों में सलामतियों के लिए और बहमी मामलात के जो हैं, जब आपकी शादी हो जाए तो शादी से पहले भी अगर इस तरह से करें तो अल्लाह ताला फिर आपका जोड़ा भी वो ही अता करता है कि जो आपकी आंखों की ठंडक होगी। ठीक है, अल्लाह ताला फिर गायब से आपकी मदद जरूर करता है। अच्छा, पहला आपने लेक्चर नहीं लिया था, ठीक हो गया। निदा, अच्छा अच्छी बात है, इसको याद करें। और आपको मैंने बता दिया इसके कितने फायदे हैं, कुरान की एक एक आयत का बड़ा फायदा है और ये कुछ आयत और ज्यादा फजीलत दी है। जैसा आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी को अल्लाह ताला ने ज्यादा और ज्यादा फजीलत दे दिया पढ़ने में उसकी। तो रब्बना हबलना मिन अज़वाजना वज़ुर्रियातना, हम देखे ना, हम नमाज में भी यही दुआ करते हैं, रब्बी जालनी मुकीम मसालात वामीन जुर्रियाती, उधर भी हम यही कहते हैं याला मुकीम मसालात, हमें नमाज कायम करने वाला बना, वामीन जुर्रियत, मेरी औलाद को भी इबादत गुजार बना, यानी के ठीक है। तो इधर भी यही बात है कि याला हमें, हमारी औलाद को यहाँ पे सिर्फ इबादत की नहीं, यहाँ पे हर मामले के बारे में बात की जा रही है कि याला जुर्रियत जिंदगी के हर मामले में हमारी मदद, ऐसी बीवियां और औलाद अता फरमा जो आंखों की ठंडक हो, जिससे हमें ठंडक मिले, हमारे हमें सुकून मिले, जिससे जिस्मानी ताल्लुक भी हो और साथ ज़हनी वाबस्तगी भी हो, ज़हनी एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें, ज़हनी तौर पर समझ सकें एक दूसरे को, शक व शुबहात में ना रहें, ना मैं ना वो किसी बात में शक व शुबहात में ना आए, इस तरह के जिस तरह से मतलब आज के हमें चाहिए एक लड़के को किस तरह की खातून चाहिए होती है, खातून को किस तरह का शोहर चाहिए होता है। बिल्कुल अच्छा किया है आपने, इनको याद करना है इंशाल्लाह, आज ही याद करें। आगे चलते हैं, अच्छा किया, अभी याद कर लिया है तो आपने बहुत अच्छा किया निमरा। रब्बना हबलना मिन अज़वाजना वज़ुर्रियातना कुर्रता आयुनी वज़अल्ना लिल्मुत्तकीना इमामा, आपको तर्जमा भी इसका समझ आ गया होगा, जरूर समझ आ गया। या अल्लाह हमें वजालना लिल्मुत्तकीना इमामा का माना है कि या अल्लाह हमें परहेजगारों का भी इमाम बना दे, इतना परहेजगार बना, इतना परहेजगार, इतना इबादत गुजार बना दे, इतना बुराइयों से बचने वाला बना दे कि हम दूसरे जो हमारे इर्द गिर्द के जो मुत्तकीन परहेजगार हैं उनसे भी ज्यादा हम परहेजगार हो जाए, मुत्तकीना इमामा, इमाम बना दे मुत्तकीन का। अब तो लेक्चर खत्म होने वाला है बच्चे, बस खत्म हो गया लेक्चर और मेरी चाय भी आ गई साथ साथ। ठीक है, वाउलाइका, अल्लाह फरमाता है वही है जिनके लिए, युजज़ौना जिनकी जजा है, युजज़ौना जजा है, उन्हीं लोगों को जजा के तौर पर गुरफाता, जन्नत का सिनोनिम के तौर पर गुरफात भी एक लफज है, जैसे जन्नत है इसी तरह गुरफात भी जन्नत का सिनोनिम इस्तेमाल किया जाता है। सिनोनिम का पता है ना आपको, सिनोनिम कहाँ पे यूज होते हैं, लफज के सिनोनिम्स होते हैं। अभी हमने पिछली आयत में अजवाज के बात पढ़ी थी ना, एक मिन अजवाजेना, मिन अजवाजेना, बच्चे अब लेक्चर में खत्म करने लगा हूं, पांच सात मिनट में, दस मिनट में इंशाल्लाह 45 मिनट तक खत्म करेंगे ये लेक्चर। फिर मैंने नजुमा के लिए जाना है, फिर आपका 3 बजे टेस्ट भी है। हाँ जी, उसके मुतरादिफ कोई भी अजवाजेना के मुतरादिफ आप मैंने आपको बताए थे, कुरान पाक में लफज अजवाजेना के सिनोनिम भी हैं, अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हैं। अजवाजेना के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, जौज बीवी, अजवाजेना का मतलब बीवी है ना, जौज का मतलब बीवी है, बीवियों को अल्लाह ताला ने तीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बीवियों के लिए, वो कौन कौन से हैं बताएंगे आप बच्चे मुझे? बीवी के लिए अल्लाह ताला ने तीन तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कुरान पाक के अंदर, वो तीनों अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट इस्तेमाल हुए हैं।
ऐसे है कि उसकी जगह पे एक मतलब जोजा की जगह अभी दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो वहां पे वही आ सकता है, जोजा का लफ्ज नहीं आ सकता था। कौन से बताए थे तीन, मुझे यही बताएं अगर आपको याद है तो, मुझे पता चलेगा आप कितने होशाबास में मेरा लेक्चर सुनते हैं या इनकी तरह सोए रहते हैं जो अभी कह रहे हैं नींद आ रही है। वो कौन से तीन अल्फाज थे जो मैंने बीबी के लिए बताया था कि कुरान पाक में बीबी के लिए तीन अल्फाज इस्तेमाल हुए, एक तो जौजा हो गया जौजा, और दो और भी हैं जो सो रहे हैं वो भी मुझे बताएं, जिनको नींद आ रही है वो भी थोड़ा सा तदब्बुर करें मुझे बताएं। दो और लफ्ज हैं जौजा इनके अलावा बीवी के लिए जो इस्तेमाल हुए हैं, उनके इस्तेमाल करने में क्या हिकमत है वो मैं आपको बताता हूँ, मैंने उस वक्त बताई भी थी आपसे, मुख्तसर बताऊंगा आपको। नहीं, निसा औरत के लिए इस्तेमाल होता है महक, ये हीरा जफर जिंदाबाद सलामती हो, हीरा जफर आपको चॉकलेट मिलेगी जब आप दोबारा क्लासेस होंगे ना स्टार्ट इंशाल्लाह, मुझे याद करवा जाएगा आप। ये तीन लफ्ज थे हीरा जफर ने जो बताए ना, जोजातुन इमरातुन और साहिबातुन, हीरा जफर जिंदाबाद। मुझे अच्छा लगा है, चलो किसी एक को तो वो चीजें बातें याद है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भी आपने शायद लिखा होगा तो वहां से देख के पढ़ा के मुझे बताया, लेकिन चलो लिखा तो सही है आपने। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बीवी के लिए तीन तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, बच्चे सुन लें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने तीन लफ्ज इस्तेमाल किए हैं बीवी के लिए, एक इमरातुन, एक जौजातुन, एक साहिबातुन। साहिबा, साहिबातुन, साहिब से साहिबातुन। इमरातुन वो बीवी कि जिसके साथ जिस्मानी ताल्लुक तो हो मगर जहनी ताल्लुक, जहनी हम आहंगी ना हो, या दूसरे लफ्जों में मुख्तसर हम ये भी कह सकते हैं कि उसका दीन जो है, मजहब जो है, वो शोहर के साथ या शोहर का बीवी के साथ मिलता ना हो, ईमानियात मिलती ना हो, अकायद मिलते ना हो, जहनी हम आंगी ना हो दोनों के आपस में, वो इमरातुन। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ने इमरातुन नौह, नौह की बीवी की बात की है, नौह अल्लाह ताला के नबी थे, और सूरह तहरीम की आखिरी आयात मैंने आपको कह रहा, वो पढ़ेगा उसको में देखिएगा, उसमें लिखा हुआ यही चीजें बातें हैं। इमरातुन नौह, नौह की बीवी की बात है तो वहां पे इमरात का लफ्ज इस्तेमाल किया है, अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम अता की क्योंकि वो अपने शौहर के साथ बीवी तो थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जौजा तो उसकी बीवी तो थी, लेकिन ज़हनी हम आंगी नहीं थी, उसके दीन पर नहीं रही, अपने दीन पर ही रही, ठीक है। और इसी तरह इमरातुन लूत के बारे में कहा गया है कि लूत की बीवी कहा गया, और जौजातुन, जौजातुन ऐसी बीवी की जिसके साथ शौहर के जिस्मानी ताल्लुक भी हो और साथ ज़हनी ताल्लुक भी हो। हाँ, हीरा जफर बिल्कुल सही कहा, साहिबातुन ऐसी बीवी जिसके साथ ना जहनी ताल्लुक हो और ना ही जिस्मानी ताल्लुक हो। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि जब जिस्मानी ताल्लुक ही नहीं है तो फिर बीवी कैसी, फिर वो रिश्ता कैसा, जब जिस्मानी ताल्लुक ही, फिर मियां बीवी का तो ताल्लुक ही ना रहा। अल्लाह ताला ने मुशरकीन और काफिर जो है ना वो अल्लाह ताला को करार देते कि अल्लाह ताला की शादी अल्लाह ताला की भी बीवी है। जहां पे अल्लाह ताला ने इस आयत का रद्द इस उनके इस शुबहात का जब रद्द किया है कि मेरी कोई बीवी नहीं है, तो वहां पे अल्लाह ताला ने फरमाया है, वहां पे लफ्ज साहिबा इस्तेमाल किया है, तो असल लफ्ज जो इस तरह से है वलम यकुना वलद वला साहिबात, ऐसा कुछ ऐसी ही आयत है कुछ मेरे पास अभी शायद, चलो खैर साहिब, अल्लाह ताला वहां पे साहिब कि मेरी कोई, मेरा ना कोई औलाद है और ना ही मेरी कोई बीवी है, अल्लाह ताला उनके शुबे का उसकी इख्तलाफ का उस पर अल्लाह ताला फरमाता है, जवाब देता है उनको। और दूसरी जगह पे, एक और जगह पे अल्लाह ताला ने जब इंसानों की बीवियों की जब बात की है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाता है कि सारे हाजिर होंगे अपनी बीवियों के साथ भी,
तो वहां पे भी अल्लाह ताला ने जब बीवियों का लफ्ज इस्तेमाल किया तो वहां पे भी साहिबातुन लफ्ज इस्तेमाल किया कि वहां भी कोई ताल्लुक नहीं होगा इनका आपस में, ना जिस्मानी ताल्लुक होगा, क्यामत की बात हो रही, क्यामत वाले दिन जब हशर के मैदान में इकट्ठे होना है, वहां पे भी मैं जन्नत की बात नहीं कर रहा, दोजख की बात नहीं कर रहा, अभी बात कर रहा हूँ कि जब हशर में मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं, जा रहे हैं वहां पे, तो वहां पे सारे हाजिर होंगे, हाजिर हो रहे हैं, तो वहां पे अल्लाह ताला फरमाता है साहिबातुन लफ्ज़, कि वहां पे ना तो जिस्मानी ताल्लुक वहां पे होगा इनका, ना ही कोई ज़हनी ताल्लुक होगा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी कि मैं अपने हिस्से के जो नेकी है वो ज्यादा इकट्ठी कर लूं और मैं यहाँ से बच के इस हशर की जो गर्मी है इससे निकल कर जन्नत के मुकाम में चला जाऊं। हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, ना शोहर को बीवी की, ना बीवी को शोहर की होगी, ना औलाद को होगी, ना औलाद के वालदैन को होगी, किसी को कोई परवाह नहीं होगी। अल्लाह ताला वहां पे भी लफ्ज़ साहिबातुन इस्तेमाल करता है बड़ी खूबसूरती के साथ। समझ आ गई अब बात की सारी। लफ्ज इमरातुन लफ्ज जो है वो ज़ौजतुन, जिसमें दो चीजें दोनों बातें हों, यहाँ पे दुआओं में भी यही लफ्ज ज़ौजा इस्तेमाल है, अल्लाह ऐसी बीवी देना कि जो इसका जिस्मानी ताल्लुक भी हो और साथ ज़हनी हमाहंगी भी हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल रोशन कमल, आपने सही कहा है। इसी तरह से हम अगली आयत में कह गए थे ना, ये गुरफा के लफ्ज हम बात कर रहे थे, उलाए का वही लोग जो ना जिनको जजा के तौर पर दिए जाएंगे, गुरफातुन जन्नत दी जाएगी। गुरफा हम लफ्जी अगर इसका तर्जमा करें तो गुरफातुन कमरे को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जन्नत के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये जन्नत को ही कहा जाता है गुरफातुन। या ये भी है शायद मेरे तसव्वुर में आ रही है, कोई एक हदीस भी है जिसमें कहा गया जन्नत के जो दर्जात हैं 100 के करीब दर्जात है, जन्नत के दर्जे हैं, तो उनमें से एक दर्जे का नाम गुरफा भी है। तो जो ये इस तरह के नेक अमाल करता है अल्लाह ताला उनके लिए उलाए का जो जजाऊ ना गुरफा, तो उनके लिए जजा में गुरफत दी जाएगी, उनको जन्नत दी जाएगी। बेमा साबारू, जो उन्होंने सब्र किया, मुश्किल पर सब्र किया, मसाइब पर सब्र किया, ठीक है, वह जो लकौना फिहा तहियाता व सलामा, वहां जन्नत की जब बात हो रही है फिर अल्लाह ताला फरमाता है जो लकौना पहुंचाया जाएगा या उनको इस्तकबाल जब किया जाएगा, फिहा उसमें जन्नत में उनका इस्तकबाल किया जाए, तहियातम व सलामा सलाम के साथ खैर के साथ उनका इस्तमाम उनको इस्तकबाल किया जाएगा जन्नत में। जन्नत में जब दाखिल होंगे तो वो प्रॉपर एक तकरीब होगी वहां पे, इससे आज से ये जाहिर होता है जब इंसान जन्नत में जाएगा तो प्रॉपर एक बकायदा एक तकरीब होगी वहां पे आपके इस्तकबाल की, वहां पे आपका इस्तकबाल किया जाएगा सलाम के साथ, अस्सलाम वालेकुम के साथ। फिर आप सूरह यासीन आपको आती है ना, सूरह यासीन जुबानी, उसकी एक आयत है तकरीबन आखिर 2/3 के बाद आखिर तकरीबन आती है वो, एक सफा पहले, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम आती है ना आयत, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, जन्नतियों को सलाम किया जाएगा कौलम मिर रब्बिर रहीम, रब रहीम की तरफ से भी सलामती भेजी जाएगी, सलाम किया जाएगा। माना ये है कि वहां पे जन्नत में इनाम जो सबसे बड़ा इंसान को जो वहां पे भी मिलना है, जैसे हम एक दूसरे को सलामती देते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, रसूल सल्लम ने फरमाया कि जो सलामती में पहल कर ले, जो पहले सलाम ले रहे तो उसको ज्यादा नहीं किए हैं, ऐसे ही है सलामती दीन इस्लाम का या अल्लाह ताला का, उस दीन का जिसको अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर सब्त करना चाहता है, इंसानों में रचना बचाना बस जाए इंसानों के अंदर, उस दीन का एक लाजमी जज़्बा है दूसरे पर सलामती भेजना। तो अल्लाह ताला भी जन्नत में इंसानों के साथ यही मामला करेगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं सलामुन कौलम मिर रब रहीम, रब रहीम की तरफ से सलाम किया जाएगा, रब रहीम अपना दीदार भी कराएगा, सलामती भी देगा, सलामती भी भेजेगा, बिल्कुल ऐसे ही है सलामुन कौलम मिर रब रहीम, रब रहीम की तरफ से सलाम होगा। ठीक है, तो गुरफा यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे वाह इल्का किया जाएगा उनको, इल्का करना होता है जैसे इल्हाम इल्का, या उनको महावरत है ना, हम इस तरह से ले जाएंगे इस बात को कि उनका इस्तकबाल किया जाएगा, फी हा उसमें जन्नत में गुरफात जो कहा जाएगा, जो जजाओं गुरफात जो बात हो रही है, जजा में गुरफत दी जाएगी, जन्नत दी जाएगी, मेहमान साबर उनके सबर पर, वही कौना और उनको फी हा उसमें उनका इस्तकबाल किया जाएगा, तहियातम व सलामा आदाब और सलाम
के साथ, ठीक है। खालिदीना फी हा, अभी वही बात आ गई जो मैंने शुरू में की थी कि लफ्ज़ खालिदीना अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो जगह है बिलियंस ऑफ इयर्स वहां पे इंसान रहेगा। जिस तरह से हमारे मज़ाहिर में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम तदब्बुर करो, गौर फिक्र करो कि किस तरह से मैंने पहाड़ खड़े कर दिए हैं, कितने सालों से खड़े हैं, उनकी उम्रों का आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, उनकी उम्रों का आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। अपनी उम्र का अंदाजा करो, उनकी उम्रों का अंदाजा करो, कितनी उम्रें होगी। ओशियंस की उम्र का तकाजा आप अंदाजा करें, कितनी उम्र है ओशियंस की, इतने बड़े समुंदर मैंने बना दिए, इतने पुराने दरख्त हैं, किस किस चीज की भी आप उम्र तला फरमाते हैं। ये सियारे सितारे सारे घूम रहे, चक्कर काट रहे हैं, सबके तरफ तब्र करो, गौर फिक्र करो कि कितनी कितनी उम्रें हैं और तुम्हें मैंने कितनी उम्र देनी है। इंसान जन्नत में जाएगा बिलियंस ऑफ ईयर, खालिदीन फी हा, कि तुम उसमें हमेशा ही रहोगे, लिमिट ही कोई नहीं है उम्र की, इनकी लिमिट है, नापी मापी जा सकती है, अंदाजा किया जा सकता है पहाड़ की उम्र कितनी है, कैसे बन गए, कब आतिश फिशा कहीं से फटा और पहाड़ बन गया, कैसे किस अंदाज में ये पहाड़ आए, किस तरह से इनके अंदाजा किया जा सकता है, अंदाजा किया जा सकता है। लेकिन खालिदीना फी हा की जब बात है तो उसमें अंदाजे की बात ही नहीं है, हमेशा वहां पर रहना है, या जन्नत में या दोजख में। हसनत मुस्तकर व मुकाम, अल्लाह ताला फरमाता है कि बेहतरीन जगह है, हसनत खूबसूरत जगह है, आरजी रहने के लिए भी और उम्दा क़ियामगाहें भी है, बेहतरीन करारगाह भी है आरजी रहने के लिए और मुस्तकर रहने के लिए भी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आगे बात समझ, बच्चे आप बोलते नहीं है, खालिदीना फी हा, बच्चे मैंने आपको इसके ऊपर खालिदीना फी हा के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी बातें आपको बता दी हैं। कल को तशरीह करनी आ जाए, अगर ये आयत आ जाए या जिस आयत में खालिदीना या आबदन आबादा आ जाए, तो आप किस आसानी तरीके से, किस आसान तरीके से आप उसके ऊपर पूरा एक पेज लिख सकते हैं, खालिदीना फी हा के ऊपर आप पूरा एक पेज लिख सकते हैं कि वहां पर हमने हमेशा रहना है, ये दुनिया की जिंदगी एक आरजी जिंदगी है। तो हम अगर तदब्बुर करें, इतने इतने बड़ी चीजें हमें जो नजर आती हैं इनकी उम्रों की, तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी उम्रें होंगी, लेकिन उस जिंदगी का अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कितनी ज्यादा होगी। ये भी अल्लाह के मखलूक है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। अशरफुल मखलूकात ये नहीं है कि सारे इनामात दुनिया में इंसान को दे दिए जाए, नहीं, अल्लाह ताला ने इनामात का कुछ हिस्सा इंसान को जमीन में इस यहां पर अल्लाह ताला ने अता किया है, इनामात का कुछ हिस्सा, ज्यादा हिस्सा अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए रखा हुआ है, आखिरत के लिए रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, और हमने ही वो चुनना है कि हमने वो किस दरवाजे से दाखिल होना है, किस वाले दरवाजे से, जन्नत में वाले से या दोजख वाले ने, वो हमारे अमाल हमें आगे लेके जाएंगे। कुल मा या बाऊ बेकुम रब्बी वाला लाउला दुआओकुम फकद कज़ब तुम फसौफा यकून लिज़ामा, फरमा दीजिए मेरे रब को तुम्हारी कोई परवाह नहीं अगर तुम उसकी इबादत ना करो, बस वाकई तुमने जुटलाया है तो अब ये जुटलाना तुम्हारे लिए दायमी अजाब बना रहेगा। मतलब फरमाता है कि ए नबी तुम फरमा दो इबादुर रहमान बनना है, बनो, नहीं बनना ना बनो हमारी बला से। इस आयत का एक ये भी मतलब निकलता है, भाई इबादुर रहमान की ये मैंने चीजें पसंद की हैं, बातें ये अमाल ये फाल उनके मैंने पसंद किए हैं, बनना है बन जाओ, नहीं बनना तो मेरी बला से। कुल मा या बाओ बेकुम रब्बी लौला दुआओकुम, अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है तुम इबादत करो या ना करो, ठीक है, बस वाकई तुमने जुटलाया है तो अब ये जुटलाना दायमी अजाब बना रहेगा। अगर तुमने मेरे अलावा किसी को मेरा शरीक ठहराया, मेरे साथ मेरी इबादत में किसी को शरीक ठहराया, तो वो यकून लिज़ामा, तो वो दायमी अजाब बना रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है बच्चे। दोबारा अब हम 3 बजे इकट्ठे होंगे, आपका टेस्ट है व्हाट्सएप के ऊपर, आपका टेस्ट होगा, आपको पेपर जो है वो व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा, और उस पेपर को आपने मुकर्रर वक्त के अंदर पूरा करना है, हल करना है, चीटिंग नहीं करनी, ये मेरी गुजारिश समझ लें, हुक्म समझ लें या एक मशवरा समझ लें,
कि इस तरह से ही मुझे पता चल पाएगा या आपको पता चल पाएगा कि आप कितने पानी में हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कितना और समझना है। ठीक है, ये सिर्फ एक वैल्यूएशन है। अगर आपको ये फिक्र है कि भी मैं आप पेपर कम गंदा दे देंगे, अच्छा नहीं देंगे, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। मुझसे आप वैसे भी मतलब कह रहे हैं सर कि मैंने ये, मुझे मजबूरी थी, मैंने इस तरह से इसको समझा, इस तरह से ये पेपर गलत हो गया है, तो आपको मैं फैसिलिटेट करूंगा, आपको मैनेज करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन सारे बच्चे जो ना पार्टिसिपेट जरूर करें। आसान पेपर बनाया है, मुश्किल पेपर नहीं है, वक्त भी जो ना उसके हिसाब से मैंने रखा है। वो आपको बता दिया जाएगा कितनी देर का पेपर है बच्चे, मैंने पेपर के ऊपर वैसे लिखा नहीं है, लेकिन उम्मीद है 30 मिनट या 40 मिनट के अंदर आप कर जाएंगे। और तवज्जो से पेपर करना है। आखिर पे आज की बात जरूरी है, क्योंकि मैं एक आपका जो मेंटोर हूँ वो सिर्फ सब्जेक्ट के हवाले से नहीं, एक रूहानियत के हवाले से भी आपका मेंटोर हूँ, आपकी इसलाह करनी है। आज की बात के हवाले से बस आंटी ये भी ले जाए, उसी आयत को हम लेते हैं, रब्बना हबलना मिन अज़वाजना वज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनी वज़अलना लिल्मुत्तकीना इमामा। आप चूंकि अभी छोटे हैं, मगर आपके इर्द गिर्द आपके घरों में बड़े बहन भाइयों की, आपके चचुओं की, फूफी या मामुओं की, ननियाल ददियाल में बहुत सारी शादियां हुई हैं, अपनी अजवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सालों में आपने इसमें इत्तेहाद आपस में इख्तलाफात भी कईयों के हुए होंगे, लो मैं आपको सुरह हुजरात का भी करवा दूंगा इंशाल्लाह, एक अगले में रख लेंगे। आज मैंने वो भी करवा देने थे, लेकिन वो इसी में इतना टाइम वक्त ज्यादा सर्फ हो गया इसके रिविजन में, इस वाले टॉपिक की, क्योंकि आप भी इतनी जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। अच्छा, आज की बात के बारे में बात करने लगा हूं। सूरा अभी फुरकान की जो हमने तकरीबन आखिर पे जो आयत आती है, दुआ भी है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजना ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनी वज़अलना लिल्मुत्तकीना इमामा। आप ये देखें आपके घरों में, आसपास में कहीं भी, या आप अपने अंदर इस आयत को उतार लें शादी के बाद भी, आपने आपको अपने इवेलुएट करना है कि हम अजवाजना की बात पर कितना पूरा उतरते हैं, हम अपने शोहर के साथ या अपनी बीवी के साथ कितना जिस्मानी ताल्लुक के अलावा जहनी हम आंगी भी रखते हैं। जब इंसान ये सोच लेता है, इस पर तदब्बुर करता है कि हमारे ज्यादा इख्तलाफात इस जहनी हम आंगी की अदम दस्तियाबी की वजह से हैं, तो आप उनको पूरा करें, ज़हनी आमांगी को कायम रखें, वो क्या चाहता है या चाहती है उसका ख्याल रखें, और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को अस्तवार करें, तो घर में ना चाकियाँ ख़त्म हो जाती हैं, झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फजूल की बहस व मबाहिस से जो नौसत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। आज की ये बात है, आपके आस पास भी अगर कोई ऐसे मामलात हैं तो आप उनको लफ्ज़ अज़वाजना के ऊपर इवेलुएट करें कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया रसूल की उम्मत को जोजाएं अता की हैं, जोजा का मर्तबा दिया है कि इनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात के साथ जहनी आमांगी भी होती है, तो हमने उस जहनी आमांगी को जिंदा रखना है, कायम रखना है। आसपास भी देखें और उनके मामलात जो है ना, आप मशवरा तो दे सकते हैं उनको, ठीक है, कहीं पर कोई बुराई हो रही है तो हाथ से रोकें, जितनी भी कुव्वत है आप उसको इख्तियार उसको इस्तेमाल करें, नहीं तो जुबान से रोकें, नहीं तो फिर दिल में बुरा जाने, आप अपने इख्तियार तीनों को इस्तेमाल करें कि भाई अल्लाह ताला ने ये तरीका इख्तियार बताया है कि जोजा है तो उसके साथ ज़हनी आमांगी आपको कायम करनी है, करनी है और करनी ज़रूर करनी है,
जहाँ पे लैक ऑफ इंटेंशंस आ जाती है कि आप उसके इंटेंशंस हो रहे हैं, आपके इंटेंशंस हो रहे हैं, तो आप उसमें दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। ठीक है, आज की ये बात है, और उम्मीद है कि ये बात आप पल्ले बांधेंगे और आप सबको फ़ायदा भी देगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और पेपर अच्छे तरीके से देना।